है। तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल मानते हैं, और हम भी एनर्जी एक्सचेंज आपसे लेंगे, क्योंकि कहते हैं लेन देन की प्रक्रिया होनी चाहिए, और जिस साथ देते हैं वो साथ लेते भी हैं। बिगर दिए और बिगर लिए कभी भी कोई भी अकल साइंस के अंदर कोई भी विद्या पूरी नहीं होती। लेकिन क्या जरूरी है कि हमें आपसे पैसा लें? जरूरी नहीं है। ये मेरे गुरुजी का सपना था कि पूरे विश्व भर में, जी हाँ, पूरे विश्व भर में हर घर में एक रेकी एक मास्टर हो, एक रेकी हीलर हो, रेकी चैनल हो, क्योंकि एक घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, ये मेरा मानना था। तो मेरे गुरुजी की सोच और मेरी सोच जब मिली तो मैं भी उनके साथ हो लिया। मैंने गुरुजी से 2 साल पहले दीक्षा ली थी, और मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर किया था हमारे गुरुजी से। और रियली बताऊं कि जो सपना उन्होंने देखा था, हम उस सपने को बहुत बड़े एक रूप में साकार करने वाले हैं। मेरे गुरु जी का सपना था घर घर में रेकी, विश्व भर रेकी, और आज वो सपना सच होने वाला है, हो चुका है लगभग लगभग से। पूरे विश्व भर में हमारे काफी कंट्रीज में रेकी हम लोग शुरू कर चुके हैं। लेकिन हमारा ये फ्री करने का मकसद ये था कि हर आदमी चाहता तो है लेकिन अफोर्ड करना नहीं पा पाता ना, अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में रेकी का कोई मूल्य नहीं है, कोई 5 हजार ले रहा है, कोई 10 हजार ले रहा है, कोई 20 हजार ले रहा है। और लेकिन हमने दो लेवल करने के बाद, जैसे मेरे ग्रुप में डाला था, एक डिस्टेंस हीलिंग कर सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, 2 लेवल करने के बाद बहुत अच्छा हीलर बन सकता है, नो डाउट। लेकिन 2 लेवल के बाद के जो लेवल्स होते हैं उसके अंदर जो करने के बाद आदमी एक सर्जन बन जाता है, हमारा ये मानना है। बहुत अच्छी तरह आप शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट रूप में हीलिंग कर सकते हैं। तो ये है कि हर आदमी के पास तक ये विद्या जाए, तो ये मकसद हमारा था। और अगर हम पैसे लेके करेंगे, हमें पता है ये हर आदमी तक नहीं पहुंचेगी। और कहते हैं जितना देते हैं उतना लेते हैं। मेरे सारे वीडियोस में देखा होगा, हमारे गुरुजी के वीडियोस में आपने देखा होगा, अगर आपने यूट्यूब चैनल देखा है, तो कि हम लोगों ने जितना, हम चाहते हैं कि जितना हम दे पाए उतना दें, क्योंकि ईश्वर हमारे को पीछे से दे रहा है। तो ये 2 लेवल करने का हमारा एक मकसद था, और मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइटली ना लें। हमारे बहुत सारे लगभग लगभग 800-900 लोग हमारे ग्रुप में हैं, अलग अलग ग्रुप में हमारे, और अभी तक लगभग 300-350 लोग आए हैं, क्योंकि फ्री है, सिखा रहे हैं। लोग सोचते हैं फ्री का माल है और ऐसे ही होगा। आप ये मान के चलिए आपने 5 हजार रुपये दे दिए हैं, वो पैसा आप किसी गरीब को दान कर दीजिए, एक अच्छे काम में, किसी संस्था में लगा दीजिए, किसी की सेवा में लगाइए। हमें वो पैसा नहीं चाहिए, ये हमारे गुरु जी का मानना है। हम कहते हैं कि आप ये मांग के चलो, क्योंकि पैसा जब लगाया जाता है आदमी सीरियस लेता है। आपको पूरी PDF मिलेगी, पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी इसकी, कोई भी आपको कभी नहीं लगेगा कि हमने कुछ इसमें से छुपाया है, क्योंकि हमारा काम है देना। तो एग्री, आप लोग हैंड्स अप कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। राइट राइट, मैं सबको देख रहा हूँ, सब मेरे सामने हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों के चेहरे देख के, और मुझे लग रहा है बहुत ही एनर्जेटिक ये हमारा ये क्लास जाने वाली है। सबके चेहरों पे मुस्कान है, कोई भी चेहरा ऐसा नहीं लग रहा कि जो जिन्होंने चेहरे बंद कर रखे हैं उनका हो सकता है, लेकिन जो चेहरे दिख रहे हैं उनको लग नहीं लग रहा। ऑल गुड, ग्रेट ग्रेट। देखो अनुराधा जी कितना मुस्कुरा रही हैं, पूरे 32 36 के 36 दांत दिखाई दे रहे हैं उनको, तो गुड ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए ये आज की जो क्लास है गुरुजी चलाएंगे हमारे, गुरुजी मैंने बताया जैसे, और मैंने जब उनसे दीक्षा ली, लाइफ में क्या चेंज आया ये मैं जानता हूँ। और हम आज जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ते रहेंगे, आपको हमारे पता लगता है कि हमारे बारे में। और राज शर्मा फाउंडर ऑफ अध्यात्म आज एक बड़े लेवल पे, बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और ये सारे हमारे गुरुजी के कारण हुआ है। और मैं चाहूंगा कि अब उनके दर्शन हो, समय हमारा आ गया है और गुरुजी के दर्शन करने का। तो क्या आप दर्शन ऐसे ही करेंगे हमारे गुरुजी के, सिंपल से बैठे बैठे कैसे करना चाहेंगे? जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा आप अपने अपनी जगह बैठे, और एक सम्मान है हमारे गुरु के लिए, क्योंकि वो दुनिया बदलने की एक शक्ति रखते हैं। अगर मैं देख पा रहा हूं तो हमारे गुरुजी हमारे बीच में हैं, और अभी कैमरा ऑन करते हैं, और जब तक हम थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। गुरुजी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आप तक, तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, राज भैया का धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है राज भैया? गुरुजी परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करता हूँ जिनके ब्रह्म ज्ञान से पूरे विश्व में फैलाने का मैंने संकल्प लिया है।
मेरे गुरुजी और गुरु माता को मैं नमन करता हूँ जिनके इस महाज्ञान से मैं इस लायक बना हूँ। मेरे परिवार का और मेरे माता पिता का धन्यवाद करता हूँ जिनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ अध्यात्मराज सीलिंग सेंटर और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सारे लोगों का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का मैं आत्मा से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो कल अगर कोई लोग हमारे डेमो में थे तो उन्होंने सुना होगा। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो कुछ इतनी छोटी छोटी विद्या नहीं है, इतनी छोटी सी विद्या नहीं है कि इसको कोई भी सीख सके, लेकिन इतनी मोटी भी नहीं है कि इसको कोई भी ना सीख सके। तो कहने का मतलब, मेरे सवाल का जवाब है, अगर आपके अंदर प्यास है, आपके अंदर तड़प है, तो मेरी गारंटी आप सीख गए, आप सीख गए और कहीं के कहीं गए। तो दोस्तों, बिल्कुल तैयार रहे ऐसी विद्या सीखने के लिए कि जिसको लोग नाम लेके ही डरते हैं। कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये टोना टोटका वाली विद्या है, कोई बोलते जादू मंत्र है, छू मंत्र है, कोई बोलते हिप्नोटिज्म है, कोई बोलते कि मनोवैज्ञानिक विद्या है, अलग अलग नाम से इसको जाना बोला जा रहा है। और वही लोग बोलते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। आप लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे जूम मीटिंग के माध्यम से हो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आप लोगों के सामने एक सत्य को उजागर करने जा रहा हूं। और वो सत्य है, आप रेकी सीखने आए ही नहीं हो। हम बोलेंगे क्या बोल दिया भैया आपने, मैं बोल रहा हूं आप रेकी सीखने नहीं आए हो। अच्छा, आपको भेजा गया है, किसने भेजा आपको? अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा आपको किसने भेजा। जी हाँ दोस्तों, आपको भेजा गया है। ये पूरा विज्ञान है। जब हमारे कर्मों का बैलेंसिंग हो जाता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव लेवल में आ जाते हैं दोस्तों, तो ईश्वर हमें चुनते हैं। जिस तरह से एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है, वो मूर्तिकार एक पत्थर को चुनता है कि इसकी मुझे मूर्ति बनानी है, और 100 पत्थर में से एक ही पत्थर उठाता है और उसकी वो मूर्ति बनाने का काम चालू कर देता है। दोस्तों, हर पत्थर की मूर्ति नहीं बनती, एक ही पत्थर जो मूर्तिकार को पसंद आता है उसकी मूर्ति बनती है, बाकी के पत्थर तो रोड के बाजू में ठोकरे खोते हुए पड़ते हैं। और हर कागज पर भगवद गीता नहीं लिखी जाती, कुछ ही कागज पर भगवद गीता लिखी जाती है जिसको हजारों लोग पूजा करते हैं, बाकी के कागज तो कचरे के डिब्बे में जलाकर राख कर दिए जाते हैं। दोस्तों, तो हो सकता है वो पत्थर आप ही हो, और मेरा वादा है आपसे वो पत्थर आप ही हो। हम क्या सीखने जा रहे हैं? रेकी। आज हम 4-5 सवालों के ऊपर काम करेंगे। आज से लेकर फ्राइडे तक मैं आपके सामने ऐसे ऐसे तथ्यों को उजागर करूंगा जिसके बाद आप समझ जाएंगे वास्तविकता में मेरे पास क्या था, और मेरी अभी तक की जो जिंदगी गई वो ऐसी गई मैंने जाना ही नहीं मैं कौन हूं। आज हम देखेंगे रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कौन कौन सीख सकता है, रेकी सीखने के बाद हमें क्या मिलेगा, और रेकी क्यों सीखनी चाहिए। आखिरी के सवाल का जवाब सबसे पहले दे देता हूं, फिर हम बाकी के सवाल का जवाब देते हैं। हाँ दोस्तों, रेकी आपको क्यों सीखनी चाहिए? क्या आप जीवन में 100% स्वस्थ रहना चाहते हो? क्या जीवन में आप हमेशा चिंताओं से मुक्त रहना चाहते हो, परेशानियों से मुक्त रहना चाहते हो? क्या जीवन में आप सारी बीमारियों से दूर रहना चाहते हो? क्या जीवन में आप अमीर बनना चाहते हो? क्या जीवन में आप हंसते रहने की कला सीखना चाहते हो? क्या जीवन में आप परमेश्वर भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड को मिलना चाहते हो? क्या आप उसकी आवाज सुनना चाहते हो? क्या आप अपने परिवार को निरोगी रखना चाहते हो? क्या आप ब्रह्मांड के नियमों को जानना चाहते हो, ईश्वर के नियमों को जानना चाहते हो? हमें ईश्वर पता है, उसके नियम पता नहीं है, और वास्तविकता में यहाँ नियम काम करते, ईश्वर काम नहीं करते। आप अपना उपचार करना चाहते हो, परिवार का उपचार करना चाहते हो, और इतना ही नहीं कि आप पास बैठे हुए व्यक्ति का उपचार करना चाहते हो या फिर हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी आप ठीक करना चाहते हो दोस्तों, तो फिर आप सही जगह पर हो। तो इसीलिए आपको रेकी फिर सीखनी ही चाहिए।
आपको स्वस्थ कौन देता है, आपको बीमार कौन गिराता है, इसका साइंस हमें पता नहीं है और कोई बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर बता दिया इसका सीक्रेट क्या है तो फिर सारा डब्बा गोल हो गया, कोई नहीं बताएगा आपको बीमार क्यों पड़ते हो आप। लेकिन मैं आपको बता दूंगा आपको बीमार पड़ने का राज क्या है और जो बीमारी आपके शरीर में आई है उसको निकालने का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट्स ऑफ डिसीज। तो दोस्तों एक बार फिर से आत्मा से धन्यवाद, गुरु वंदना करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने अपने घर में अपनी अपनी आंखें बंद करें, अपने माता पिता को, अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को याद करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। लेवल वन और पार्ट वन आज हम शुरू कर रहे हैं, पहला पार्ट रेकी का पहला पार्ट, ध्यान से देखना। क्यों? जो बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है वो बिल्डिंग भी मजबूत बनती है, ऐसा बोलते हैं। तो आज आपकी नींव रखी जा रही है, इसके ऊपर आपका बिल्डिंग बनेगा। तो मैं चाहता हूं आपकी बिल्डिंग ऐसी बने कि जो हजारों साल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वो वैसे की वैसी रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं रेकी। रेकी शब्द सुनते ही हमारे मन में ना जाने क्या क्या ख्याल आ जाते हैं। रेकी शब्द दोस्तों एक जगह और इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो खोज होती है वो किसी की रेकी करते हैं। रेकी करने का मतलब है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और दूसरा इसका अर्थ है कि उपचार करना। रेकी शब्द हमारे भारत का है ही नहीं, ये जापान से आया। भारत में इसको पहले स्पर्श चिकित्सा बोलते थे, हाथ रखकर उपचार करना। और ऐसा ही नहीं दोस्तों कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये ऋग्वेद में बोला गया है और हमारे अथर्ववेद में बोला गया है। ऋग्वेद में 137वां सूत्र पढ़िए, जिसको रोग निवारण सूत्र के नाम से जाना गया है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जिसमें बोला गया है अयम में अस्तो भगवान आयम भगत तराय अयम में विष भेजस्यो शिव भीम दर्शनायम। मतलब मेरे हाथों में ईश्वर समान शक्ति है, मेरे हाथ औषधि युक्त है। ये अथर्ववेद में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऋग्वेद में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे हाथों में ईश्वरीय ऊर्जा है जो उपचार करने वाली शक्ति है। तो दोस्तों सचमुच क्या हमारे हाथों में वो ऊर्जा है? क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या हम उसका अनुभव कर सकते हैं? आप उसको देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो। अनुभव कैसे करना है? आपने किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को पेन हो रहा है, आपने हाथ रख दिए वो ठीक हो गया अनुभव। दिखेंगी नहीं। अब मेरे हाथों के बीच में मैंने पूछा क्या है, आप बोलेंगे हवा है भैया और कुछ नहीं है। लेकिन हवा आपको दिखती नहीं है, हवा आपको दिखती नहीं लेकिन है जरूर। उसी तरह मेरे लैपटॉप और मोबाइल के पीछे से आपके मोबाइल तक कोई वायर नहीं आया हुआ, कोई तार नहीं आया हुआ है, तो फिर आप मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे क्यों सुन रहे हो? क्योंकि कुछ तो बीच में है और उसको बोलते हैं वेव्स, उसको बोलते हैं तरंगे। और रेकी तरंगों का विज्ञान है, रेकी तरंगों का विज्ञान है। और ये तरंगों का विज्ञान दोस्तों, सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान जब हम लोग सीख जाते हैं तो हम खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, हम खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। हमें समझता है हम कैसे बीमार पड़ रहे थे और अभी तक हमने कुछ बैंक बैलेंस बना के ला कर रखा है, मतलब कोई बीमारियों को लेकर साथ में बैठे हैं। तो चिंता मत करना, आपके शरीर की सारी बीमारियां अब जाना ही जाना है, उनके लिए आपके शरीर में कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये कोर्स फ्री है, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। और इसका मूल्य है आपका स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, आपका हेल्थ अच्छा है तो आपको वेल्थ ही वेल्थ है। तो इस हेल्थ को कैसे ठीक करें,
किसी किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम होगा घर पे, उसको कैसे ठीक करे, किसी किसी के धन का प्रॉब्लम होगा, पैसे का प्रॉब्लम होगा, उसको कैसे ठीक करे। तो दोस्तों रेकी आपको सबसे पहले तो स्वस्थ करेगी, 100% स्वस्थ, 50% नहीं, 100%। उसके बाद रेकी आपको हंसते रहने की कला सिखाएंगी, हमेशा खुश रहने की कला, मतलब चिंता गायब, निश्चिंत रहने की कला सिखाएगी रेकी आपको। और तीसरी चीज, तीसरी चीज जो है वो जो रेकी आपको सिखाएगी वो है अमीर बनने की कला। आप बोलेंगे भैया पहले दो वाली बाद में बताना, आखिरी वाली पहले बता दो क्योंकि सारे लोगों को जरूरत है इसकी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हम गरीब क्यों है, हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे, और अमीर है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसके पीछे का साइंस हम रेकी में सिखाते हैं जो कि कोई भी विद्या में आपको नहीं सिखाया जाएगा। विश्व रेकी अभियान लगातार 3 साल से ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हजारों लोगों को रेकी सिखा चुके हैं। हमारे कई ग्रैंड मास्टर से उनके पास, वो भी रेकी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी रेकी सिखा रहे हैं। मेरा सपना है दोस्तों घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। मैं चाहता हूं पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक व्यक्ति रेकी सिखा हुआ एक घर में होना चाहिए, ताकि वो घर में हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं आए, कैंसर जैसी बीमारी नहीं आए। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, अगर आपने रेकी सीखी तो आपके घर में से कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक से मर नहीं सकता और आपके घर में कैंसर जैसी बीमारी हो नहीं सकती। नो माई फ्रेंड, डेट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। इतना मैं कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल से ये हमने करके देखे। मेरे गुरुजी सिर्फ कैंसर के ऊपर काम करते हैं और हमने अभी बीड़ा उठाया है। फरवरी 2023 से विश्व रेकी अभियान में पूरे इंडिया के कैंसर के पीड़ित लोगों की हीलिंग करेंगे बिना मूल्य, कोई मूल्य नहीं चाहिए हमें। हमारे 100-150 ग्रैंड मास्टर हम साथ में आएंगे और हम ऑनलाइन कैंसर की हीलिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ पूरे भारत में बीमारी का नामो निशान मिट जाए। अगर रेकी है तो सब कुछ संभव है, क्योंकि रेकी का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको अभी बताता हूँ। रे का मतलब है सर्वव्यापक और की का मतलब है ऊर्जा, सर्वव्यापक ऊर्जा जो जहां पर भी मौजूद है। हम बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, आपने सुना होगा कण कण पे भगवान है। तो दोस्तों कण कण में भगवान का मतलब है कण कण में ऊर्जा है, क्योंकि ये ईश्वरीय ऊर्जा है। रे का मतलब है सर्वव्यापक, मतलब ईश्वरीय, और की का मतलब है ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा। अब ईश्वरीय ऊर्जा ने आपको चुना है, इसीलिए मैंने पहले बोला था ना कि आप यहाँ रेकी सीखने नहीं आए, ईश्वर ने आपको चुना है। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो देना जानते हैं, जो लोग देना जानते हैं उन्हीं को वो चुनता है। ईश्वर कहता है बेटा अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए तुझे मैं वो दे रहा था जो मैं चाहता हूँ, लेकिन आज तू वो कर रहा है जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। बहुत कुछ सिखा कर जाती है पंक्तियां हमें। रेकी का मतलब है सर्वव्यापक ऊर्जा, ये हमारे भारत की विधि है। गौतम बुद्ध के जमाने में इस विधि का उपयोग करते थे मॉन्क, जो वो रास्ते से चलते थे, बीमार होते थे, कोई उनको जख्म होती थी, पांव को ठोकर लगती थी, तो वो रेकी करते थे। ये गौतम बुद्ध की विद्या है, लेकिन ये विद्या पहले सीखने के लिए 21 दिन का ध्यान उपवास करना पड़ता था, तभी सीख सकते थे। और अभी हम तो 2 दिन का नहीं कर पाते, उपवास के दिन हम कितना खाते है? देखो जितना हम नॉर्मल दिन में नहीं खाते उतना उपवास के दिन ठूसते रहते पेट में, ये चलता है न वो चलता है। किसने बोला आपको ये चलता है न वो चलता है? उपवास का मतलब है सिर्फ जूस और फ्रूट, बाकी कुछ नहीं। लिक्विड चीजें खाने को उपवास बोलते है, और साबुदाना बगर टगर मगर खाने को उपवास नहीं बोलते है, वो आपका शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो जब वो मॉन्क बीमार गिरते थे तो वो अपना उपचार करते थे, और इस विद्या को इसलिए लोग नहीं सीख पा रहे थे क्योंकि इसको सीखना पहले बहुत मुश्किल था। फिर कुछ दिनों के बाद में विद्या भारत से लुप्त हो गई, हमारे भारत से बहुत ही विद्या लुप्त हो गई, बहुत
सारी अनेकों विद्याएं भारत से लुप्त होगी, क्योंकि यहाँ रिसर्च नहीं होता, भारत में रिसर्च नहीं होता। कुछ ही दिनों के बाद में क्या हुआ, जापान में डॉक्टर मिका उसुई, जो कि हमारे ब्रह्मर्षि है आज और पहले रिकी के आविष्कारक थे, जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी जो बोला ब्रह्मर्षि, इस शब्द का अर्थ शायद आज आपको नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप हमारे साथ आगे के लेवल में रहे तो आपको समझेगा ब्रह्मर्षि मैंने क्यों बोला, बिल्कुल सटीक तरीके से समझेगा आपको ब्रह्मर्षि का मतलब क्या है। जिनके पास मानव शरीर नहीं होता लेकिन कारण शरीर होता है, उनको ब्रह्म ऋषि बोलते हैं, और ये ब्रह्म ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में आकर साधक को ज्ञान देते हैं। और बोलते हैं ना, ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आपके घर का कौन सा छप्पर फाड़ेगा, सीमेंट कंक्रीट के छप्पर बनाए आपने तो वो छप्पर नहीं फाड़ता, वो ये वाला छप्पर फाड़ता है आपका। यहाँ पे ज्ञान रूपी वर्षा होती है आपके शरीर में और आप जाग जाते हो, जिसको बोलते जागरण। तो मिका उसी जो रिकी के आविष्कारक है, वो एक स्कूल में स्पिरिचुअल टीचर थे और एलोपैथिक डॉक्टर थे। एक दिन स्कूल में एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर जीसस क्राइस्ट हाथ रखते उपचार करते हैं, आप कर सकते हो या हम कर सकते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने भी बोला मेरे को मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। फिर वो वहां से निकले, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया और पूरे मठों में गए, संतों के पास गए, लेकिन उनको उनके सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला। आखिर में वो पूरे दुनिया में घूमने लगे, फिर भी उनके सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन दोस्तों सौभाग्य की बात है कि जब वो इंडिया आए तो नॉर्थ इंडिया में तिबेट करके संस्थान है, वहां पर एक कमल सूत्र नाम की किताब थी, उसमें उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया। डॉक्टर उसुई ने तिबेट से रेकी सीखी और वो किताब को लेकर जापान चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने 21 दिन का ध्यान उपवास किया। वो गए, अपना एक उनका फ्रेंड था जिसका नाम रोबोट था, रोबोट को बोलकर गए कि मैं एक पर्वत पे जा रहा हूँ, पर्वत का नाम था माउंट कुरामा यामा, और वो साधना करने लग गए। उनके पास में कोई आधार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, 21 पत्थर लिए, एक एक पत्थर नदी में फेंकते थे और उपवास और ध्यान करते थे। 20 पत्थर चले गए, कुछ नहीं हुआ, 21 पत्थर फेंकना ही था कि डॉक्टर मिका उससे बेचूद होकर मूर्छित होकर गिर गए। आधा घंटा मूर्छित होकर गिरे और जब वो उठे तो उनको लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, वो इतना एनर्जेटिक फील कर रहे थे खुद को, और इस खुशी के मारे वो दौड़ने लग गए। दौड़ते दौड़ते उनका पाव एक पत्थर से टकरा गया तो वहां पे उनको ठोकर लग गई, खून निकलने लग गया। वहां पर कोई ब्लैंडेज के लिए नहीं था, उन्होंने अपना अंगूठा अपने हाथ में पकड़ा और थोड़ी देर में क्या देखते तो अंगूठे का पेन भी गायब और जो खून आ रहा था वो भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने देखा, अरे मेरे हाथ में कुछ तो भी है, मेरा खून भी बंद हो गया मेरा और मेरा पेन भी निकल गया। वो बहुत खुश हो गए दोस्तों और वो नीचे आ गए, उनको बहुत भूख लगी थी। होटल के मालिक को बोला, क्या मुझे खाना मिलेगा? वो बोले ठीक है महाराज बैठिए। महाराज ही बोलना पड़ेगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी 21 दिन तक के। सॉरी, होटल मालिक की बेटी खेल रही थी, उसके दांत में दर्द था, उसके गाल सूजा हुआ था, यहाँ पे स्वेलिंग थी, रो रही थी। मिकाओसी ने पूछा, क्या मैं आपके बच्चे के गाल पे हाथ रख सकता हूँ? बोले बिल्कुल महाराज रखिए। मिकाओसी ने जैसे ही हाथ रखा, बच्ची हंसने लगी 2 मिनट के अंदर और उसका पेन गायब हो गया, और खेलते खेलते थोड़ी देर के बाद में उसका जो स्वेलिंग था वो भी गायब हो गया। दूसरा चमत्कार मिकाओसी के जीवन में हुआ, वो बहुत खुश हो गए। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए, रॉबर्ट के यहाँ, तो रॉबर्ट को ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। उनके रिपोर्ट उन्होंने देखे तो उसके अनुसार उनको पता चला कि रॉबर्ट को ऐसी बीमारी हो गई है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। लेकिन उन्होंने रेकी का उपचार शुरू किया रॉबर्ट को, और रॉबर्ट 1 महीने के अंदर पहले जैसा हो गया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। वो हर गाँव में जाते थे, उपचार करते थे, लोग ठीक होते थे। मैडम हवाई टकाटा जो कि यूएस से जापान आई अपना इलाज करने के लिए, बोलो यूएस में उसका इलाज नहीं हो गया, वो जापान आई, जापान में भी उसका इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आपका इलाज एलोपैथी में नहीं है। फिर वो डॉक्टर मिका उसी के पास गई, तो मिका उसी ने क्या कर दिया, उनको रेकी सिखा दिया और बोले कि आप अपना इलाज करो, यही रहो। वो रेकी सीख गई, अपना इलाज खुद ही कर लिया दोस्तों, और वो 100% ठीक हो गई। उसके बाद वो यूएस गई। मतलब अगर मैडम हवाई टकाटा नहीं होती तो
तो आज हम एक दूसरे को सुन नहीं रहे होते। जापान से रेकी यूएस गई, यूएस में इसके ऊपर रिसर्च हुआ और ये प्यूरिफाइड होकर एक नया नाम लेकर हमारे इंडिया में 1970 में आई। 1869 से 1925 तक डॉक्टर मेको उसुई ने बहुत लोगों को रेकी सिखाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 25 मास्टर बनाए। इसका मतलब आप देख लो, 25 लोगों को सिखाया उन्होंने सिर्फ, क्योंकि पहले सीखना ही बहुत मुश्किल था। लेकिन आज ऐसी तकनीक आ गई है रेकी में कि कोई भी व्यक्ति एक 4 घंटे की वर्कशॉप में रेकी को सीख सकता है। 4 घंटे की वर्कशॉप में एक आपको रेकी के बारे में बता दिया जाता है, फिर आपका शक्तिपात हो जाता है, जिसको अटूनमेंट बोलते हैं रेकी की भाषा में, और उसके बाद में ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है, आपके हाथों से निकलती है, उपचार भी करती है। मतलब कैसे करेंगी उपचार? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ रेकी करेगी। 1970 में जब इंडिया में आई तो लोग इसको सीख नहीं रहे थे, डर रहे थे इसको। 30-40 साल के बाद आज पिछले 10 साल में इतने लोगों ने रेकी सीखी है जो 40 साल में नहीं सीखी, और आज तो करोड़ों लोग रेकी सीख रहे हैं, करोड़ों लोग रेकी सीख रहे हैं। अब रेकी की सुगंध घर घर फैल रही है। हमारे भारत में रेकी का प्रसार और प्रचार करने वाली सबसे बड़ी संस्था है रेकी हीलिंग फाउंडेशन, जो कि दिल्ली में है। डॉक्टर एन के शर्मा और माता सविता शर्मा इसके संचालक है, और हमने भी रेकी हीलिंग फाउंडेशन से रेकी सीखी है। मेरे रेकी के पहले गुरु है डॉक्टर आशुतोष जी बहुगुणा, जिनसे मैंने ऑनलाइन रेकी सीखी थी, और उसके बाद मैंने RHF से रेकी सीखी है। दोस्तों, मुझे रेकी सीखकर 3 साल हो गए। मई 2019 में मैं ग्रैंड मास्टर बन गया। ग्रैंड मास्टर तो सभी बनते हैं, लेकिन रेकी सीखने के बाद मेरे जीवन में जो चमत्कार होना शुरू हो गए, जिसकी मैं ना कल्पना कर सकता हूँ ना आपको बता सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि 3 साल में मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया, और ना ही मेरा जीवन बदल गया, मेरी मेरे के परिवार का और जितने लोग हमारे संपर्क में आ गए उनका जीवन बदल गया, उनके परिवार का जीवन बदल गया। दोस्तों, हमारे घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के 10 पॉकेट रहते थे आयुर्वेदिक दवाओं के, काढ़ा करना है, गोलियां लेनी है, ये उसका नाम डाल के पॉकेट ऐसे लटके हुए रहते थे। 3 साल पहले की बात है, और 3 साल के आज की बात है दोस्तों, आप झंडू बाम भी नहीं मिलेंगी। मुझे 5 दिन से खांसी है, लेकिन मैंने कोई टेबलेट नहीं लिया। अगर आप देखना चाहो तो मेरे पास में, मैं जो लेता हूं आपके सामने है, मैं कुछ ऐसा छुपा नहीं रहा हूं, क्योंकि सब कुछ प्रकृति में है। हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जब उसमें कुछ गलत जाता है तो रिएक्ट करती है, कुछ तो भी गलत गया होगा, इसीलिए बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो हम बॉडी को सपोर्ट करने के बदले में हम उसमें मेडिसिन डालते हैं, तो हमारी बॉडी, वो तो हमारी बीमारी निकल जाती है, लेकिन एक गिफ्ट में और मिल जाती है, वो कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है। तो बॉडी के बीच में अपनी टांग मत अड़ाना, मैं आगे बताऊंगा आपको टांग अड़ाने का साइंस क्या है, तो पता चलेगा आपको, है ना। हाँ, तो अभी हमने देखा रेकी क्या है, अब रेकी कैसे काम करती है। रेकी कैसे काम करती है, ये दिमाग आप मत लगाओ, आप क्या करो, सिर्फ हाथ रख दो और क्या बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो, अगर दूसरे का इलाज कर रहे हैं तो, और अपना कर रहे तो क्या बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मुझको ठीक करो। जैसा आपको यहाँ पे हो रहा है, छाती में हो रहा है, पेट में हो रहा है, कंधे में हो रहा है, घुटने में हो रहा है, हाथ रख दो। मेरी दीदियां हैं, खाना बना रही है, चाकू लग गया, सब्जी काटते काटते चाकू लग गया, क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, ऐसा पकड़ना है उंगली को, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मुझे ठीक करो, बस और कुछ नहीं बोलना है। 2 मिनट का वेट करना है आपको, 2 मिनट के बाद आपका हाथ हटाना है, ना खून रहेगा ना पेन रहेगा, थोड़ा बहुत निशान रहेगा, लेकिन दबा के देखो पेन नहीं होगा। गाड़ी के दरवाजे में हाथ गया, अब तो 15 दिन टेंशन नहीं, बड़ी बड़ी पट्टियां लगेंगी, एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, पेन किलर खानी पड़ेंगी, बिल्कुल नहीं। जिसके अभी गाड़ी में हाथ गया, अगर वहां कोई रेकी चैनल है
तो उसके हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़े, रेकी को बोले रेकी शक्ति इसका उपचार करो, आपको कुछ नहीं करना है, हाँ आपको क्या क्या बोलना है ये हम आज बता देंगे या कल बता देंगे आपको, मैं अभी सिर्फ बेसिकली ये सिखा रहा हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पकड़ना है, अपना हाथ रखना है। अगर लेडीज है तो लेडीज के शरीर को टच करे, जेंट्स है तो जेंट्स के शरीर को टच करे, लेडीज और जेंट्स अपने एक दूसरे के शरीर को टच नहीं करे। आप 4 इंच दूर हाथ रखकर भी उपचार कर सकते हो, बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ, आपको क्या बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो इसको ठीक करो। अब किसी को पेट दुख रहा है हाथ रख दो, किसी की कमर दुख रही है हाथ रख दो, घुटना दुख रहा है हाथ रख दो, हेडेक हो रहा है हाथ रख दो, इतनी आसान बात है। और क्या बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो इस व्यक्ति को ठीक करो। आंखें बंद करके देखना है, आंखें बंद करके बोलना है और आंखें बंद करके देखना है। अब क्या देखना है ये हम उपचार के समय देखेंगे, अभी हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। हम आपको रेकी का उपचार कैसे करते हैं पूरा डिटेल सिखा देंगे। थर्ड डे के बाद जब आपका शक्तिपात होगा, सैटरडे को आप उपचार करके देखिए किसका भी, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा हो सकता है। यस माय फ्रेंड, डेट इज पॉसिबल। ओके, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कैसे काम करती है, मैंने एक छोटे से भाषा में समझाया कि आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर का माध्यम बनाती है ये ऊर्जा, ये आती है हमारे क्राउन चक्रा में, जाती है हमारे शरीर में और निकलती है हमारे हाथों से है। ये दिखती नहीं है, लेकिन जो रेकी चैनल होते हैं जिनका शक्तिपात हो जाता है उसके बाद में जब आपके हाथों में ये ऊर्जा आती है तो यहाँ पे आपको सेंसेशन होता है, चीटियां चलती है, चीटियां चलने जैसा आपको लगेगा कि कुछ तो भी चीटियां चल रही है। क्या मैसेज कर रहे हो भाई, मैसेज नहीं पढ़ सकते दादा, मैसेज करके कोई फायदा नहीं है। ओके, कोई मैसेज नहीं करे तो ये हमारे हाथों से निकलने वाली ऊर्जा है। ऐसा समझो कि हमारे घर में बिजली का तार आया हुआ है, पूरा फिटिंग हमने करा हुआ है, लेकिन ट्यूबलाइट है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, चल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा मेन स्विच ऑफ है। और जब तक हमारा मेन स्विच को इलेक्ट्रिशियन आके ऑन नहीं करेगा या हम ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारे घर के गैजेट्स नहीं चलेंगे। बस यही बात है दोस्तों, ये ऊर्जा तो जन्म होते से ही, पैदा होते से ही हमारे अंदर है, लेकिन हमारा मेन स्विच ऑफ होने के कारण हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जब हमारा मेन स्विच ऑन हो जाएगा ये अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह से आपका ट्यूबलाइट पंखा चलेगा। तो रेकी में एक विधि होती है जिसको बोलते हैं शक्तिपात। शक्तिपात से 15 मिनट का विधि है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति मेरी आवाज सुनेंगे उनका शक्तिपात उनके घर में ही हो जाएगा। और इतना ही नहीं कि हम आपको बोलते कि इसके ऊपर विश्वास करो, अगर आप हमारे साथ आगे के लेवल में रहे तो हम आपको ये भी बताते कि ये क्यों होता है और कैसे होता है, क्योंकि ये टोटल साइंस है। किसी का भी शक्तिपात कैसे होता है ये भी साइंस है, और रेकी ही साइंस ही है। E=mc², ये साइंस ही बोलता है। हर चीज में ऊर्जा है, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, उसमें ऊर्जा है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। निर्जीव चीज में भी है और सजीव में, मतलब आप में भी है, पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, पेड़ में भी है, पौधों में भी है, हर चीज में ऊर्जा है। ओके, रेकी सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान है। रेकी कैसे काम करती है, रेकी ब्रह्मांड से आती है, आपके शरीर में जाती है, हाथ से निकलती है, कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे कभी भी कर सकते हो, नहाने के बाद, खाने के बाद, खाने के पहले, नहाने के पहले, मासिक धर्म में कर सकते हो, खास करके मेरी दीदियां सुने, मासिक धर्म में रेकी कर सकते हो, रेकी दे सकते हो, रेकी सीख सकते हो, रेकी सिखा सकते हो, नो टेंशन, कभी नहीं बोलना। मासिक धर्म आपके शरीर का, शरीर की क्रिया है, आपकी आत्मा की नहीं, और रेकी आत्मा की चाबी है। मैं बताता हूं कैसे, रेकी आत्मा की ऊर्जा है, सोल एनर्जी है। रे का मतलब है REY, REY माने प्रकाश, रे REY, रे माने किरण, किरण माने प्रकाश, और प्रकाश माने क्या, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप,
हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्म स्वरूप, ये चारों चीजें एक ही व्यक्ति के नाम है और वो है आत्मा। तो प्रकाश को ही आत्मा बोला गया है। तो रे माने प्रकाश, माने किरण, माने आत्मा, और की माने चाबी, आत्मा की चाबी। तो दोस्तों, क्या सचमुच हम रेकी सीखकर आत्मा की चाबी प्राप्त कर सकते हैं? क्या सचमुच हम रेकी सीखकर आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकते हो, ये मेरा वादा है आपसे, दावा है आपसे। रेकी सीखने के बाद आप आत्मज्ञान को प्राप्त करते हो। मेरे गुरु जी कहते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जंगल जाना नहीं है, हिमालय जाना नहीं है, पहाड़ पे जाना नहीं है, जप तप करने नहीं, यज्ञ करने नहीं, देवता को प्रसन्न करने नहीं है, किसी को दक्षिणा देनी नहीं है। आप इसी कपड़े में, इसी व्यवहार, संसार व्यवहार व्यापार में रहकर आप बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हो, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। और ये होता है, हर कोई होता है। अगर आज आप मुझे सुन रहे हो, ये कोई दुर्घटना नहीं है। इसका मतलब ये की है कि आपके अंदर का जो बुद्ध है वो आपको एक्टिवेट कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि जाग जा, वो आपको जगा रहा है नींद में से। हाँ, नींद में से। आपकी उम्र कितनी भी हो, अभी आपकी नींद खुलने वाली है, और जैसे जैसे आपकी नींद खुलेंगी, जैसे जैसे आप रेकी में आगे बढ़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते व्हाट इज रेकी। मैं तो अभी भी हैरान हूँ व्हाट इज रेकी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रेकी किस हद तक काम करती है। इतनी हद तक काम करती है कि सोच के परे है दोस्तों, सोच के परे। जहां बोला जाता है कि ये व्यक्ति का गारंटी 0.5% भी नहीं है, वो व्यक्ति रेकी से ठीक हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास में प्रूफ के साथ में है कि जहां पर ये व्यक्ति की बचने की उम्मीद 0.5%, इस व्यक्ति के चलने की उम्मीद 0, इस व्यक्ति की बोलने की उम्मीद 0। हमारे ग्रैंड मास्टर से जिन्होंने कई बच्चे जो बोल नहीं सकते थे उनकी जबान वापस लाई। हमारे सेंटर पर कई लोग थे जो बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, वो चल रहे, बोल रहे। हमारी एक दीदी थी पंजाब से, जब मैं थर्ड लेवल में था, मेरे पीछे बैठी थी। उनके पास रिपोर्ट थे, उनको बोला गया था कि आपके आपको गर्भवती माँ नहीं बन सकती हो, आपको बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन उसने उसके दो रिपोर्ट बताए, उसको दो बच्चे थे। मेरे पास उसका वीडियो यूट्यूब पर आज भी है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो रेकी कहां तक काम कर सकती है? हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों, रेकी अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। हम समझ भी नहीं सकते इस बात को कि वास्तविकता में रेकी कहां तक काम करती है। और रेकी अपने को, अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और इस ऊर्जा को अगर आप सीखने जा रहे हो तो क्या आप साधारण हो? नो माय फ्रेंड, यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर एबनॉर्मल। आपको चुना गया है। अगर आपने ये मौका भी हाथ से गमा दिया तो फिर आगे की यात्रा आपके भरोसे है। लेकिन अगर आप इस विद्या के साथ रहे और इस विद्या को सीखकर आपने अपना, अपने परिवार का और मानव कल्याण का उद्देश्य रखा दोस्तों, तो रेकी आपको ऐसी जगह लेकर जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, जो कि सारे चमत्कार आज मेरे जीवन में हो रहे हैं। मैं मेरे गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था, सबसे गरीब। मेरी गरीबी का उदाहरण मैं आपको दूंगा तो आप रोएंगे, मैं देता नहीं, मैं बाद में दूंगा। और वो गरीब व्यक्ति आज आपके सामने रेकी सिखा रहा है, जो आज सबसे बड़ा अमीर है। मैंने जब रेकी सीखी तो मैंने संकल्प लिया था कि इसको मैं पढ़ाऊंगा पूरे विश्व में, देखो पूरे विश्व में पढ़ाऊंगा। तब की मेरे एरिया में, मेरे 4-5 डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ रेकी का नाम और निशान भी किसी को पता नहीं था। और वो लड़का बोल रहा है, वो आदमी बोल रहा है कि मैं इसको पूरे विश्व में फैलाऊंगा। कैसा लग रहा है आपको? लेकिन दोस्तों, 3 साल का चमत्कार देखो, 9 कंट्री में विश्व रेकी अभियान काम कर रहा है, 9 कंट्री में। इंडिया में कोने कोने में हमारे मास्टर से, ग्रैंड मास्टर से इतने चमत्कार कर रहे हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या सचमुच हमें रेकी अभी भी नहीं सीखनी चाहिए? क्या इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं दोस्तों, अब समय आ चुका है जागने का।
रेकी अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विद्या है। देखो, चिंता, क्रोध, लोभ, उत्तेजना, तनाव से क्या हो जाता है, शरीर के अंगों में और नाड़ियों में हलचल पैदा हो जाती है, जिसके कारण हमारे रक्त की जो धमनियां हैं उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, और ये सारे विकार ही बीमारियों की जड़ है, और इसको मूल से, रूट कॉज से नष्ट करना ही रेकी है। बिल्कुल इसको जड़ से खत्म करना रेकी है। जब हमें बुखार होता है, किसी को बुखार आ गया, हम क्या करते हैं, टेबलेट लेते हैं, उसको दबा देते हैं, खांसी आ गई दबा देते हैं, खांसी आने का मतलब बॉडी बाहर निकाल रही है कुछ तो भी, बुखार आने का मतलब है कुछ तो भी गलत गया, हमारे शरीर की जो बैक्टीरिया उसको विरोध कर करके बाहर फेंकती है। दोस्तों, कैंसर का अगर सबसे ज्यादा विरोध करने वाली कोई चीज है तो वो आपकी बॉडी है, लेकिन आपकी बॉडी का लेवल अगर कमजोर हो जाए, उसका ऊर्जा का लेवल अगर कमजोर हो जाए, तो फिर वो कैंसर तो क्या है, वो सर्दी से भी बीमार हो जाएगा, फिर वो तो बाहर गया कि बीमार हो जाएगा, उसका इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा, और वो है आपके चक्रों के कारण। ये चक्रों के कारण आप बीमार गिरते हो, आपको बीमार गिराने वाला कोई नहीं है, आपके चक्र और आपका ओरा, आभा मंडल, इन्हीं के कारण आप बीमार गिरते हो। और अगर देखो, इन्हीं को अगर हमने ठीक करने की कला सीख ली तो हमें बीमार कौन गिराएगा, कोई नहीं। तो चलो दोस्तों, इसको हम सीखना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे से लेकर 10 साल का बच्चा लेकर बूढ़े तक के रेकी को कोई भी सीख सकता है, आराम से सीख सकता है। अब हमारे शरीर में जो केंद्र होते हैं, जिसको तो शक्ति केंद्र बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है शक्ति केंद्र के नाम से। शक्ति केंद्र का मतलब है चक्र। हमारे ऋषि मुनियों को 2000-3000 साल पहले ही पता चल गया था कि मानव शरीर में कुछ तो भी गोल गोल घूम रहा है, और उन्होंने बोला कि ये चक्र है, गोल गोल घूमने वाले को चक्र बोल दिया उन्होंने। तो हमारे शरीर में कितने चक्र है, उनके नाम क्या है, और रेकी में हम क्यों उनका नाम लेते हैं, हम कौन से चक्र पे कैसा काम करते हैं, इसको हम बारीकी से देखेंगे। आप जो भी ग्रुप में हो, उसी ग्रुप में चक्रों के नाम, उनके लोकेशन, उनका कलर, ये सब कुछ आएगा। अगर आप मुझे YouTube पे ऑनलाइन सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मेरे नंबर आपको फ्लैश हो रहा है उस पे, उस नंबर पर आप मैसेज करके, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे WhatsApp ग्रुप का है, उसी को ज्वाइन करके आप ये हमारा ग्रुप ज्वाइन करके चक्रों के लोकेशन, उनके नाम, उनके कलर, इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र है। वैसे तो हमारे शरीर में 124 चक्र है, लेकिन 7 बड़े चक्र है, उससे छोटे 24 है, और बाकी जो बच्चे कुछ है वो पिल्लू निल्लू मुल्लू है, गोलू गिल्लू, हम बोलते ना छोटे बच्चों को, गुल्लू नुल्लू पुल्लू को कुछ बोलते हैं वैसा। मतलब हमारे शरीर में 7 बड़े हैं, 24 उससे छोटे हैं, और बाकी छोटे छोटे बहुत है। हमारी जो उंगलियां है ना, इसके ऊपर भी चक्र है, हमारे हाथ में चक्र है, हमारे आंखों के पास, कान के पास, नाक के पास, पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे चक्र है। चक्र का मतलब है घूमना। और आज ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चक्र, ये हमारे ऋषि मुनियों ने 3000 साल पहले बोला था। आज आप गूगल पे जाइए मीटिंग खत्म होने के बाद, और आप देखिए एंडोक्राइन चार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारा विज्ञान बोलता है कि यहाँ पर नाड़ियों के गुच्छे है, नाड़ियों के गुच्छे जहां पर है वहीं पर चक्र की लोकेशन है, और चक्र की लोकेशन 3000 साल पहले ऋषि मुनियों ने बोला था। मतलब हम किसकी संतान है, हम ईश्वर की संतान है, हम सनातन धर्मों से है, हर रेकी चंदन सनातन धर्मों से है, इसीलिए वो रेकी में आता है। लेकिन रेकी में आगे भी बढ़ना चाहिए। 2 लेवल तो आप आराम से कीजिए, अपना उपचार कीजिए, लोगों का कीजिए, डिस्टेंस में कीजिए, आराम से कर सकते हो। आगे आपकी इच्छा है तो बढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप रेकी को फिर गहराई से सीखना चाहते हो तो आगे बढ़िए। रेकी के 5 लेवल होते हैं। पहली लेवल में रेकी बेसिक सिखाई जाती है, हाथ रखकर उपचार करना। दूसरी लेवल में सिंबल के साथ रेकी उपचार करना सिखाया जाता है। फिर उसमें पानी का साइंस, भोजन का साइंस, क्रिस्टल का साइंस
और भी तंत्र मंत्र यंत्र सिखाया जाता है आपको। उसके बाद में तीसरी लेवल में आपको सिखाया जाता है साइकिक सर्जरी, किसी की भी बॉडी का ऑपरेशन कैसे करना, एमएस डॉक्टर ऑफ सर्जर, मास्टर ऑफ सर्जर, एमएस बनते हो आप तीसरी लेवल में, आप ऑपरेशन कर सकते हो। कई ग्रैंड मास्टर हमारे कर रहे हैं, शरीर को ऑपरेशन करते हैं, डायरेक्ट ऑपरेशन बॉडी खोल के, कोई कर सकता है? हाँ कर सकता है। इतना ही नहीं किसी व्यक्ति के शरीर का, लेकिन दोस्तों नॉन लिविंग थिंग आल्सो यू कैन ऑपरेट। यस, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, आपका एसी, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, इसकी भी आप सर्जरी कर सकते हो, और ये सिर्फ रेकी में संभव है। और एक नहीं ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं प्रूफ के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। एक तो हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि ऐसा हो गया था, लेकिन हमारा विश्वास नहीं था, लेकिन जब हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया, कई लोगों ने किया, तो फिर हमारा विश्वास और पक्का हो गया कि ये हो सकता है। कैसे हो सकता है वो नहीं पता, लेकिन हो जाता है। लेवल फोर में सीखते हो आप बहुत ही अलग विद्या, और पांचवे लेवल की तो बात मैं क्या करूं। जैसे जैसे हम रेकी में आगे बढ़ते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं। वास्तविकता में हमें ईश्वर की व्याख्या पता नहीं है, आज भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, मुझे मालूम है आपको भी पता नहीं है। हाँ, अगर आप रेकी में हो तो आपको सटीक तरीके से पता हो सकती है, लेकिन नहीं तो आप फिर लटक गए। हम बोलते हैं ना भगवान को, हे भगवान मेरी रक्षा करना, तो मतलब आप भगवान की व्याख्या को नहीं समझ रहे हो। भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमात्मा, परमपिता, ये अलग अलग नाम नहीं है, ये अलग अलग नाम नहीं है, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। और इसके नीचे ना इनका कोई कलर है, ना कोई आकार है, ना उकार है, और हमने तो उनको कलर भी दे दिया है और उनका बंटवारा भी कर लिया है। दोस्तों, इंसान इतना चतुर प्राणी है, ये ऋषि मुनियों को पता था, इसीलिए उन्होंने उनको बोला था कि बेटा सवेरे जब उठेगा ना तो तीन चीजें बोलना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमुड़े तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, अपने हाथों को देखना और इस मंत्र को बोलना चार पांच बार, आठ बार, ग्यारह बार, लेकिन बोलते ही नहीं। अब ये जो मंत्र है, इसका अर्थ जो है वो है कि मैं धनवान हूं, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, मेरे कर के अग्र में, अग्र माने आगे, लक्ष्मी मतलब मैं धनवान हूँ, कर मध्य सरस्वती, सरस्वती बुद्धि की देवता है, मैं बुद्धिमान हूँ, करमुड़े तो गोविंदम, मैं ईश्वर की संतान हूँ। ये इतना बोलने से हमारी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन हम बोलते नहीं। ऋषि मुनि ने बोला था भोजन शुरू करने के पहले कुछ बोलना पड़ेगा, जिसको श्लोक बोलते थे, आप पढ़ लो, वदने कवड़ गीता नाम गया श्री हरि चे साधवन होते नाम गीता फुका चे जीवन करे जीवित वन ये पूर्ण ब्रह्म उधर वर्णन हो ये जानी जे इतने कर्म, ये मराठी में था। मैं मराठी, मेरी मदर टन है ना, तो आपको थोड़ी समझेगा। हिंदी में इसका मतलब है भूख लगी तो खाना है, आपका पेट पेट नहीं है, यज्ञ है, और यज्ञ में पानी नहीं डालना है। हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं, स्वाहा, पूरा जठर अग्नि हमारा स्वाहा हो जाता है। तो ये भी हमें समझना जरूरी है कि वास्तविकता में भोजन के बाद कुछ देर तक पानी नहीं पीना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो हम आगे देखते हैं। एक घंटे के बाद हमारा 5 मिनट का ब्रेक रहता है, तो आप अभी थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम आगे बढ़ रहे रेकी में। रेकी का उपचार जब आप किसी का करेंगे तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या बोलना है, किस तरह से उपचार करते हैं, ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। कल हम इसका पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे, परसों हम सिंबल्स देखेंगे, सिंबल के साथ रेकी कैसे करते वो देखेंगे। दोस्तों, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था कि सचमुच आपको लगता है कि आपका इलाज करने वाला कोई बाहर है? नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने देखा है कभी कितनी बार ऑनलाइन, कल तो मैंने, मुझे लगता है कल 122 लोगों को हमने ऑनलाइन ठीक कर दिया। कुछ लोग आज, कुछ लोग हमारे साथ में होंगे भी कल के, कल सहा है ना 7:30 बजे के डेमो वाले, हाथ ऊपर करो, राइट, ओके। तो मतलब कल आप थे, कल 7:30 बजे हमारा डेमो था। वास्तविकता में रेकी क्या है? यस जी, कोई, थैंक यू। तो पहले हमने एक हीलिंग करके बताई जिनका चेहरा हमने देखा, और उसके बाद हमने आंखें बंद करके सारे लोगों को बोला कि आंखें बंद करो, और हमने 112 के 20 लोगों को ऑनलाइन एक ही मिनट के अंदर उनका पेन गायब हो गया, किसी को 90, किसी को 80, किसी को 70%। तो दोस्तों, ये क्या हुआ? ये जादू है, मैं जादूगर दिख रहा हूं आपको?
बीवी है, बच्चे है, मेरे पोते हैं, मुझे, मैं जादूगर नहीं हूँ, मेरा बिजनेस है, आई एम बिजनेस मैन, आई एम नॉट मैजिक, मैं मैजिक नहीं करता हूँ। ये रेकी है, इसको जादुई शक्ति बोलते हैं, ये जादू के जैसा उपचार करती है। और दोस्तों, अगर ये विद्या आप सीखने जा रहे हो तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज आप लोगों को सिखाने का मुझे अवसर मिला है। दोस्तों, आगे का विषय हमारा है रेकी उपचार कैसे करते हैं। रेकी उपचार करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जाति धर्म की आवश्यकता नहीं है, उम्र का बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मेरी 6 साल की पोती और 1 5 साल की पोती है, दोनों भी रेकी करती है, इतना बढ़िया करती है। जयपुर में हमारा सेमिनार हो रहा था, किसी एक टीचर दीदी के दांत में दर्द था, हमने डेमो उनको दे दिया स्टेज पर से, उनका पेन तो एक साइड का कम हो गया, उनको दूसरे साइड में भी प्रॉब्लम था, वो जो हीलिंग है मेरी पोती ने कर दी और वो उसकी फैन हो गई। बोले आपकी पोती कर सकती, कोई भी कर सकता है, आपके घर में छोटा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन आप उस तरह से उसके ऊपर संस्कार दो, अपने परिवार में एक रेकी चैनल बनाओ, आप भी सीखो, दूसरों को प्रेरित करो। अब रेकी आपको करनी है अपनी खुद की या दूसरे की, आपको अगर खुद की रेकी करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे आपका घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही है, कोई जख्म हो गई, चटका लग गया, जल गया, हार्ट अटैक, मतलब हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, हार्ट में धक धक हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, हेडेक हो रहा है, किसी ने बोला आपको माइग्रेन है, किसी ने बोला आपको माइग्रेन है, अगर आप रेकी चैनल हो, माइग्रेन की छुट्टी छुट्टी, कोई बीमारी आपके शरीर में रहना अब मुश्किल है, बिल्कुल नहीं रह सकती। कैसे कैसे करना है इसका उपचार, सिस्टमेटिक वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ, और ना ही बताता हूँ, ऑनलाइन करके भी दिखाता हूँ। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, कोई विश्वास नहीं करना। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, लगभग मुझे नहीं पता अभी कितने हैं, तो मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, 487 और यूट्यूब में जो है वो अलग, लगभग 600-700 लोग है जो मुझे आज सुन रहे हैं अभी। तो मैं आप लोगों को भी ये चमत्कार दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मैं उपचार करता ही नहीं हूं ना भाई। आप अगर आप इंडिया में कहीं बैठे हो, फॉरेन में कहीं बैठे हो, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से आपका पेन कैसे इधर मेरे पास खींच सकता हूँ? मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, तो भी करने वाला आप ही के अंदर है, मैं उसको बता रहा हूँ, सिर्फ कर लो। दैट इज द साइंस ऑफ रेकी। लोगों का उपचार कैसे करते हैं, आपको क्या क्या करना है, पूरा सिस्टमेटिक आपको आपको समझना है। ओके, तो अभी हमारा पानी पीने का 5 मिनट का ब्रेक रहता है, 5 मिनट के बाद आप पानी पी के आइए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि दूसरों का उपचार कैसे करते हैं, अपना उपचार कैसे करते हैं, परिवार का उपचार कैसे करते हैं, कौन से बीमारी में कौन सा उपचार करते हैं, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, 5 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा, 5 मिनट के बाद जल्दी आइए पानी पीकर। धन्यवाद। हाँ, गर्दन हिला दी दीदी ने, कौन दीदी है, बहुत अच्छा सुन रही है, माया डिंपल, क्या बात है माया दीदी, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार अगर हो सके तो अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान चाहूंगा मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों देखो, हम क्या करते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि हम जैसा बहुत ही कुछ सीरियस है, सब कुछ सुन रहे हैं, तो भाई हल्की सी मुस्कान बनती है। मैंने इतनी, मुझे घर घर कर रही थी मेरी ये प्रॉब्लम, फिर भी मैंने आपके साथ में इतना अच्छा परफॉर्म किया, हो सकता है मुझे थोड़ी सी हंसी दे दो यार, और जोर से अगर हंसते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हंसते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता है। हंस दीजिए और पानी पी के आइए। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। देखिए, कहते हैं ना, चेहरे पे अगर मुस्कान, थोड़ी सी मुस्कान हो, जिंदगी मुस्कान भरी रहती है। रेकी में हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव हमें जो भी अफर्मेशन देनी है कि हमारे साथ विजुलाइज करना है। एक तरीके से कह सकते हैं हमने अपने आप से झूठ बोलना है। हम झूठ बोलने को कहते हैं, लेकिन अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, दूसरों से झूठ नहीं बोलना। ये मेरा एक वीडियो भी आया था, छोटा वीडियो डाला था मैंने, झूठ बोलो जरूर अपने आप से,
क्योंकि जितना हम जैसा हम सोचेंगे ना हम वैसा ही बनते जाएंगे। और रेकी में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इस बात की हम क्या अफर्मेशन देते हैं, हम अपने सर को अफर्मेशन दे रहे हैं, अपने कोई भी चक्रों का अफर्मेशन दे रहे हैं, ध्यान हमारा किसी और तरफ है और हम दर्द बढ़ रहा है, मतलब अफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें बीमारी का नाम ना पॉजिटिव हो रहा है, हो चुका है। तो ये चीजें आप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, 5 मिनट का समय है अभी, गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेकर आएंगे, आप पूछ सकते हैं फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे। नमस्कार राज जी। जी नमस्कार। चेहरा ओपन कर लेंगे, दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, जिनके कैमरा ऑन रहेंगे हम आंसर उन्हीं का देंगे। जी बताइए, कोई और आ जाए जब तक। सर नमस्ते सर, मैं पूजा सर, मेरा नाम पूजा। जी पूजा जी बताइए। सर ये पूछना चाहती हूँ, परिवार का रेकी चैनल कैसे बनाएंगे? मैं अभी कई लोगों के मैसेज भी देख रहा था, वो आगे बीमारियों की बातें कर रहे थे। अभी देखिए, जितना दिमाग को आप खाली करके बैठेंगे ना उतने ही समझ में आएगा। अभी हम ए बी सी डी सीख रहे हैं, तो अभी ए बी सी डी सीख बात की, रेकी चैनल हम सिखाएंगे आपको बाद में बनाना, थर्ड लेवल में। अभी नहीं, अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी तक जो सिखाया जाएगा ना, अभी बनेगा आपका रेकी चैनल बनेगा, आपको पूरे परिवार की रेकी कर सकते हैं। अभी मैं सबको म्यूट कर देता हूं क्योंकि पीपल आर अनम्यूटिंग देमसेल्फ बाय देयर ओन। ओके जी जी जी। जिनको भी कुछ बोलना है वो सबसे पहले हैंड रेज करेंगे, तो फिर हम एक एक करके उनका अनम्यूट करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 2 मिनट का टाइम। जी तो अभी क्विक अगर क्वेश्चन किसी का है तो दे कैन आस्क इन द चैट, है ना। अभी गुरुजी दोबारा आएंगे तब वहां पे हम सेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। और इस कई लोग ये भी पूछ रहे थे इस सेशन के रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को जरूर मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को शेयर कर दीजिएगा रिस्पेक्टिव ग्रुप में जिसमें भी आप एडिट है, उसमें आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और कई लोगों ने ये भी पूछा कल जो डेमो हुआ था उसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को जो लर्निंग ग्रुप है जिसमें आप एडिट है उसमें आपको शेयर कर दी जाएगी। जिनके हैंड रेज है वो पूछ सकते हैं। सुनील टुट्टू जी। हाँ सर, मैं एक थैंक यू, धन्यवाद जी राज जी, धन्यवाद गुरु जी का। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँचना है तो कितना टाइम लगता है इसमें? सर टाइम लगने को तो जितना मर्जी लगा दो, डिपेंड करता है, लेकिन हर चीज का ना एक सिस्टम होता है। हम आपको ये 2 लेवल सिखाने के बाद 21 दिन का टाइम देंगे जिसमें आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, डेट इज मस्ट। अगर आपने सीखा और नहीं प्रैक्टिस किया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और नहीं बढ़ना चाहिए, वो वहीं खत्म हो जाएगी जर्नी आपकी। अगर आपने आगे बढ़ना है 21 दिन की प्रैक्टिस, जो हमें अपने लिए करनी है किसी दूसरे के लिए नहीं करनी, वो करने के बाद आप थर्ड लेवल पे जाएंगे। थर्ड लेवल में आप एक सर्जन बन जाएंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा टाइम देंगे। तो ऐसे करते करते अगर आप पूरा प्रॉपर चल लगे 2-2.5 महीने के अंदर आप एक अच्छे ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकते हैं। मैंने वो 21 दिन का कर दिया ऑलरेडी, वो पता है मेरे को कि मैंने रेकी लेवल किया है कुछ। जिन्होंने ग्रैंड मास्टर तो किया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे पावर नहीं आएगी। 1-2 लेवल करने के बाद आपको रियली बता रहा हूँ इतना चेंज आ जाएगा लोगों के अंदर जो प्रैक्टिस करेंगे। वो बहुत एनर्जी तो सर आती है जब हम रेकी शक्ति को आह्वान करते हैं, हमारे हाथ में एनर्जी। बिल्कुल टाइम हो चुका है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, गुरुजी आ चुके हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कहाँ गया मुझे नहीं दिख रहा। आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद राज भैया का, जॉय भैया का, आप दोनों की एनर्जी बहुत बढ़िया लग रही है मुझे। जय भैया बहुत खुश लग रहे, क्या बात है। जी जी, आज हमारा भी एक नया कोर्स शुरू हो रहा है इसलिए। जी जी भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार म्यूट कर देना सबको, परमानेंटली म्यूट कर सकते हैं लगे तो। ओके, सिक्योरिटी में जाके म्यूट कर सकते। ओके थैंक यू, एक बार फिर से धन्यवाद आपका, वापस आ गए। आज हम देखेंगे रेकी में
अपना उपचार कैसे करते हैं, दूसरे का उपचार कैसे करते हैं। अपना उपचार करने के लिए मैं आपको इतना बोलूंगा, आपके मोबाइल में चार्जर लगाते हो आप रोज, बिल्कुल हर कोई व्यक्ति लगाता है, तो मोबाइल चार्ज करके आप दिन भर उसका यूज करते हो। बस रेकी का यही है कि आपको अपना खुद का चार्जिंग करनी है, तो खुद की चार्जिंग कैसे करनी है, आपका मोबाइल तो एक घंटा लेता है चार्ज करने को, आपको अपने बॉडी का हीलिंग करना है सिर्फ 15 मिनट, ओनली 15 मिनट। लेकिन अगर आपको रेकी में अपने शरीर के अंदर के 24 चक्रों को हील करना है, तो आपको 21 दिन तक के वो 24 पोजीशन का उपचार करना पड़ता है 21 दिन तक के। आपके ग्रुप में उसको ऑडियो आता है, ऑडियो लगाकर आपको बैठना पड़ता है, उसके बाद फिर अपने आप जो जहां पर वो बोलेंगे वहां पर आपको हाथ रखने और कुछ नहीं करना है, वो आपको सिर्फ 21 दिन करना है, 21 दिन से ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद फिर आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार करें तो भी चलेगा, लेकिन 21 दिन इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि कोई भी बीमारी एक चक्र में से निकलने के लिए उसको 72 घंटे लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, और हमारे शरीर में 7 चक्र है, तो 7 चक्र का मतलब है 21 दिन, 7 चक्र का मतलब है 21 दिन, इसीलिए हमें 21 दिन की साधना करनी होती है, हम रेकी के भाषा में उसको साधना बोलते हैं। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, 15 मिनट का अपना सेल्फ हीलिंग करना है जिस तरह से मोबाइल को चार्ज करते हैं। ये हो गया आपका उपचार। अब हम दूसरों का उपचार कैसे करें, इसके पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम उपचार कहाँ करें, उपचार कहाँ करें, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, हम शॉर्टकट समझते हैं चक्रों के बारे में। हमारे शरीर में 7 बड़े चक्र है, छोटे छोटे चक्र तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसा एक घर का बड़ा व्यक्ति है, आप उसको इन्विटेशन देने जाते हो, उसके घर में 10 लोग है, आप 10 लोगों को थोड़ी बोलते हो कि शादी में आना है ना, आप क्या बोलते हो, अरे ठीक है भैया, जय भैया, राज भैया, आप क्या करो, हमारे घर शादी है कल आ जाना, आप बोलते ठीक है ठीक है, लेकिन आप पूरे परिवार के साथ जाते हो, मतलब आपको बोल दिया तो आपके परिवार को अपने आप मिल गया। उसी तरह आपके शरीर में जो 7 बड़े चक्र है, वो बड़े चक्रों के ऊपर जब आप काम करते हो तो छोटे चक्र अपने आप ठीक हो जाते हैं, इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। और जो 7 बड़े चक्र है उनके नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उनका लोकेशन बता देता हूँ, उनका बीमारियों का रिलेटेड चक्र बता देता हूँ, और फिर आपको उसी चक्रों के ऊपर हाथ रखना है और उनका उपचार करना है। यहाँ पर हमारा एक चक्र है सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर एकदम, और जहां बिंदी लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र, गले के आगे विशुद्धि चक्र, छाती के मध्य में अनाहत चक्र, छाती के नीचे हमारी जो पसलियां हैं यहाँ पर एक खड्डा है, वहां पर है मणिपुर चक्र, नाभि से 1 इंच नीचे है स्वादिष्टान चक्र, और मूलाधार चक्र हमारा टेलबोन एरिया में है जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी का एंड हो जाता है हमारे जेंटल ऑर्गन के पास में, इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। दोस्तों हर चक्रों की अलग अलग बीमारियां है, इसको आपको पहले समझा देता हूं मैं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि उपचार कैसे करते हैं। अब आपको मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र का मतलब है मूल आधार, जीवन का आधार है ये चक्र। तो ये आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां है, अगर आपको हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या है, तो इसका मतलब एक ही है कि आपका मूलाधार चक्र कमजोर है। उसके बाद में नाभि से 1 से 1.5 इंच नीचे आता है स्वादिष्टान चक्र, आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम्स, इतने एरिया में अगर प्रॉब्लम है तो सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र का एरिया आपका डैमेज है या फिर अनबैलेंस है। उसके ऊपर है मणिपुर चक्र, रिबकेज के खड्डे में, दोनों पसलियों के बीच में यहाँ खड्डा होता है, नाभि से 6 इंच ऊपर। मणिपुर चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, इसके नाम में इसकी कहानी है। सोलर चक्र, सोलर माने बिजली, बिजली जाने के बाद वो सोलर की प्लेट लगती है, उसको सोलर प्लेट बोलते हैं। सोलर माने वो ऊर्जा का निर्माण करता है।
90% लोगों के मणिपुर चक्र कमजोर है। जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनका मणिपुर चक्र 100% कमजोर है। जिनको पाचन का प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता, गैसेस होती है, पेट संबंधी कोई और प्रॉब्लम है, उनका मणिपुर चक्र कमजोर है। क्योंकि मणिपुर चक्र के क्षेत्र में क्या क्या आता है, पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रिया, लीवर, स्प्लीन, किडनीज, अगर इतने एरिया में हमें प्रॉब्लम है तो मतलब हमारा मणिपुर चक्र कमजोर है। पीले कलर का चक्र होता है ये नाभि से 6 इंच ऊपर। उसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्र छाती के मध्य में। ये चक्र से रिलेटेड हमारे जो ऑर्गन्स है वो है हार्ट, सबसे बढ़िया सबसे मेन पार्ट हार्ट, अनाहत चक्र, और लंग्स, दो लंग्स होते हैं हमारे, फेफड़े बोलते हैं इनको। उसके बाद में हमारा रिबकेज माने ये पसलियां, उसके अंदर की नसें, उसमें बहने वाला सारा रक्त, ये आता है हमारे अनाहत चक्र के क्षेत्र में। और अनाहत चक्र के क्षेत्र में एक और ग्लैंड आती है जिसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, जो हमारे अनाहत चक्र के थोड़े से ऊपर होती है। अगर हमारा अनाहत चक्र में प्रॉब्लम है तो हमारे इतने एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा चक्र अगर अनबैलेंस है तो इतने एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ ना इसके आगे ध्यान से सुनना, मतलब हमारे जितने भी चक्र है अगर उसमें कोई अनबैलेंसिंग है तो हमें वो एरिया में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पक्का हो गया विशुद्ध चक्र थायराइड, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है हमारी। विशुद्ध चक्र का मतलब है फूड पाइप, हमारी अन्न नलिका, श्वसन नलिका, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जहाँ पर होती है, अगर इसमें हमें कोई प्रॉब्लम है मतलब हमारा विशुद्ध चक्र कमजोर है। आज्ञा चक्र, माइग्रेन, आंखें, कान, कान की नलिया, साइनस इत्यादि, इतने भी अगर प्रॉब्लम है तो मतलब आपका आज्ञा चक्र कमजोर है। और ये जो सहस्रार चक्र है इसको कोई कमजोरी का सवाल नहीं, क्योंकि दिस इज द गेटवे ऑफ योर बॉडी, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। ये आता है स्पिरिचुअलिटी चक्र है, इसको आध्यात्मिक चक्र बोलते हैं। इस चक्र का ओपन होना, इस चक्र के तरफ हमारी चेतना का बढ़ना, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। अगर आप रेखी में सचमुच आगे बढ़े तो आप मेरी इस बात को समझ जाएंगे ये चक्र किसका खुलता है। कोई भी व्यक्ति जब मरते हैं ना तो उनके शरीर में छेद गिरता है, आप किसी बुजुर्ग को पूछ लेना, और वो वहीं पर गिरता है जहां पर उसका चक्र है। इसका मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु उस चक्र से हो गई। तो दोस्तों वो व्यक्ति जब अगले जन्म में आता है तो उसी चक्र से रिलेटेड परिवार में ही आता है। जैसा खाने की इच्छा रह गई तो वो चक्र से बाहर निकलेगा, सैक्रल चक्र से उसकी इच्छा अधूरी रहेगी तो सैक्रल, जिसको स्वादिष्ठान चक्र को सैक्रल चक्र बोलते हैं, सेक्स चक्र। हाँ, जो इस जीवन में इच्छा अधूरी रहेगी वो चक्र से उसकी मृत्यु होती है, और फिर वही हिसाब से उसको परिवार मिलता है और शरीर मिलता है। और ये कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। ओके, ये हो गए हमारे शरीर के 7 चक्र। ये 7 चक्रों को तो हम हील करेंगे। मतलब देखो, अगर ये कमजोर है, मैंने क्या भाषा वापरा इसके पहले, अगर ये कमजोर है तो इनको, इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करने के लिए हम जब मेडिसिन लेते हैं तो क्या दोस्तों ऐसी कुछ टेक्निक्स है क्या कि हम विदाउट मेडिसिन हमारे चक्रों को चार्ज कर सके? यस, दैट इज रेकी। ये है रेकी। ये हाथ रखने से क्या होता है, वहां का ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। हम पंप मारते ना गाड़ी में, हवा मारते मशीन से, तो मतलब क्या हो जाता है, वहां पर ऊर्जा की जरूरत होती है तो ऊर्जा चले जाती है। इसको आपको इस तरह से समझना है, जहां पर ऊर्जा की ऊर्जा कमजोर हो गई वहां पर आपको ऊर्जा देना है। अब बीमारियों से हम चक्रों को देखेंगे, फिर चक्रों को हील करने का सिस्टम देखेंगे। अब ये आपके समझ में यहां तक आ गया है कि जो बीमारी है वो तो हमारे समझ में आ गई। जैसा अभी किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जी घबराता है, उनके उनके जो फेफड़े है वो कमजोर है, और कफ होता है, हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि इनका हार्ट चक्र कमजोर है। तो आप क्या करेंगे, हार्ट चक्र को हील करेंगे। हील करेंगे मतलब उपचार करेंगे। क्या करना है, हाथ रखने हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाथ रखने हैं, और क्या बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो।
आपको कुछ भी नहीं करना है, वो निकलेगी अनाज चक्र में जाएगी, अनाज चक्र को ठीक भी करेंगी, वापस भी आएंगी। और जो रेकी चैनल होते हैं आगे चल के आपको भी पता चलेगा, जब आप हाथ रखते हो तो आपके हाथ गर्म होते हैं और थोड़ी देर में अपने आप ठंडे हो जाते हैं, तो फिर आपके हाथ गर्म क्यों हो गए, इसका मतलब कुछ तो हो गया। ओके, तो ये जो हमारे चक्र है ये अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड है, अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड है, और उस ऑर्गन की बीमारी उस चक्रों का कमजोर होने की निशानी है। काफी लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, कमर की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, डिस्क स्लिप हो गई, नस दब गई, घुटना खराब हो गया, बदलना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है, चमत्कार के सिवा कुछ भी नहीं। आपको अगर ये लग रहा है आपके घुटने में प्रॉब्लम है और आपको बदलने का है, तो दोस्तों 21 दिन आप अपने घुटने की रेकी करें, उसके बाद पहले चेकअप करें, बाद में ऑपरेशन करें, आपको पता चल जाएगा, आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ऐसी कई केसेस हमारे यहाँ हो गई, मेरे पास उनके नंबर भी है, नाम भी है, हमारे गाँव में है कई लोग है जिनके घुटने बदलने के लिए वो चेक करके आ गए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके घुटने बदलने पड़ते हैं। उनका बेटा भी पुणे में है और वो वहां पे चेकअप करने गए तो उनके दोनों घुटने का ऑपरेशन बताया गया, लेकिन वो हमारे पास देखिए सीखने को आ गए, सीखने के लिए नहीं आए, वो उनके बहू को छोड़ने आते थे लेकिन वो बैठ जाते थे, बैठते बैठते वो सीख गए और अपना ही रेकी का उपचार खुद ने शुरू कर दिया। आज वो व्यक्ति 100% ठीक है, और जब वो एक महीने के बाद चेकअप करने गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपके घुटने तो अभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी एक नहीं दोस्तों कई किस्से हैं, और ये किस्सों के ऊपर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं रखना है, इसको आपको करके देखना है, आप कर सकते हो। रेकी सीखने के बाद ये होना शुरू हो जाता है। ओके, हाँ, तो अभी हमने देखा कि हमारे शरीर के चक्रों के हिसाब से हम कैसे हील करें। हाँ, तो ये हो गए हमारे चक्र और ये हो गए हमारे ऑर्गन। हमारे शरीर में जो इससे छोटे चक्र है, जो 24 चक्र है, वो आपको हील करने हैं। कैसे हील करने हैं? 21 दिन की साधना करनी है। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी हो, आपको कोई भी बीमारी का नाम लो, वास्तविकता में बीमारी का नाम दिया गया है, वो उनका नाम नहीं है। मैं आपको अभी इसका सीक्रेट बताता हूँ। बीमारी का नाम दिया गया, आपका नाम क्या है? आप बोलेंगे मेरा नाम सुनील है, कोई बोलेगा मेरा नाम राधा है, कोई बोलेगा मेरा नाम राज है, कोई बोलेगा मेरा नाम रीटा है, जो भी है। तो ये नाम आपको कब मिला? पैदा होने के 12 दिन के बाद मिला। उसके बीच में आपका कोई नाम नहीं था, मतलब आप एनर्जी थे। अरे आप तो डेट ऑफ बर्थ भी बताते हो भाई, मैंने पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है तो बराबर बताते 10 फरवरी 1970, 9:11 सवेरे, इतना परफेक्ट बताते हैं कि जैसा कि वो उसी दिन पैदा हो गया। वो आपकी पहचान है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी पहचान है, आपका नाम भी आपकी पहचान है, ना ही नाम आपका है, ना ही डेट ऑफ बर्थ आपकी है। न छिदंति शस्त्राणि, न दहति पावका, न चैन क्लेद यंत्रोक्मो, न शोषयति मारुता, ये तुम हो। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ वो कैसे हो सकती है? चलो भाई 10 फरवरी को तुम पैदा हो गए तो 9 फरवरी को कहाँ थे? 8 फरवरी को कहाँ थे? माँ के पेट में तो थे, जिंदा थे या मरे हुए थे? जिंदा थे, तो फिर माँ के पेट में कब आ गए? वो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो तुम्हारा जन्म हो गया। तुम कब आ गए किसी को मालूम ही नहीं, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ना तुम मरे हो ना तुम पैदा हो गए, तुम तो सिर्फ शरीर को चेंज कर रहे हो। तुम्हारा स्वरूप है हमेशा खुश रहना, आनंदित रहना, जिसको बोलते हैं सत्त चित्त आनंद। रेकी सीखने के बाद आपका चित्त सत्य में स्थिर होता है और आप आनंदित रहते हो, इसको बोलते हैं सत्त चित्त आनंद, सच्चिदानंद। माने वास्तविकता में सच्चिदानंद बाहर नहीं है, लेकिन हमने पहचाना नहीं। एक कहानी मैंने सुनाई थी सब लोगों को कल, कि आपके पास में ही वो हीरे की पोटली है लेकिन आप बाहर ढूंढ रहे हो। अभी काफी लोगों ने सुनी नहीं क्योंकि 112 ही लोग थे कल, आज एक बार और सुना देते हैं, पता चल जाता है। और फिर हम देखते हैं हमारे शरीर के बाहर भी कुछ है, हमारे शरीर के बाहर भी कुछ है।
आप अपने घर में अगर ईश्वर की फोटो होंगी, तस्वीर होंगी, आप देखो उनके चेहरे के पीछे से गोल येलो या व्हाइट कलर का सर्कल है, वो क्या है? वो उनका ओरा है, उनका आभा मंडल है। ये आभा मंडल आपको भी है। आईने के सामने खड़े रहे और अपने आंखों में देखे। थोड़ी देर के बाद आपके शरीर के चारों तरफ ऐसा गोल गोल घूमता हुआ आपको दिखेगा, वो आपका ओरा है। अभी आपके नाखून का ओरा भी आप देख सकते हो। अपने अंगूठे को छत की तरफ कीजिए और अंगूठे को ही देखते रहिए। घर की रोशनी धीमी होनी चाहिए और जब आप अंगूठे को देखेंगे तो आपके अंगूठे के चारों तरफ आपको एक सफेद रंग का प्रकाश घूमता हुआ दिखेगा। ये आपके अंगूठे का ओरा है। आपकी पांच उंगलियां छत की तरफ कीजिए और हाथ के बीच में देखना शुरू करें। आपके हाथ के चारों तरफ एक प्रकाश घूमता हुआ आपको दिखेगा। ये आपका ओरा है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं साइंस की भाषा में, रेकी की भाषा में इसको आभा मंडल बोलते हैं। दोस्तों ये आभा मंडल, इसकी फोटो भी निकलती है, इसका जैसा एक्सरे निकलता है बॉडी का, उसी तरह से इसकी इसका भी स्कैन होता है, जिसको DAS बोलते हैं, डिजिटल ओरा स्कैनर। ये इसका फोटोग्राफ भी निकलता है कौन से कलर आपके ओरा में है, और जो चक्रों के कलर होते हैं वही कलर हमारे ओरा में होते हैं। जो हमारे चक्र के कलर है ना, जैसा सहस्र चक्र का जामुनी कलर है, आज्ञा चक्र का नीला कलर है, विशुद्धि चक्र का स्काई ब्लू, अनाज चक्र का ग्रीन, मणिपुर चक्र का येल्लो, स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज और मूलाधार चक्र का रेड, तो यही कलर हमारे ओरा में भी होते हैं और जिसको ओरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। ओके, हाँ, ओरा की तरफ हम आगे जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मूलाधार चक्र का मतलब है मूलाधार, शरीर का मूल आधार, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम मूलाधार चक्र। उसके ऊपर चले स्वादिष्टान चक्र, इसमें आपके इंटेस्टाइन आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम, ये पूरा एरिया यहाँ पर आ गया। मतलब अगर आपको इतने एरिया में प्रॉब्लम है तो स्वादिष्टान चक्र आपका कमजोर है। उसके ऊपर आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के पास में पेट, गॉलब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन और दोनों किडनी जाती है। अगर इतने एरिया में प्रॉब्लम है तो मणिपुर चक्र। अभी आप हमें ये समझना है कि हमें कौन से एरिया में प्रॉब्लम है और उसके बाद हमें उसी चक्रों को हील करना है, पूरे बॉडी को हील नहीं करना है। इसीलिए मैं रिपीट बता रहा हूँ ये आपको। अनाज चक्र की प्रॉब्लम क्या होती है, विशुद्धि चक्र की प्रॉब्लम क्या होती है, आज्ञा चक्र की प्रॉब्लम क्या होती है, आपको चक्रों को हील करना है। और चक्र कैसे हील करना है, ये आज्ञा चक्र यहाँ आए तो एक हाथ पीछे, ये विशुद्धि चक्र यहाँ आए तो एक हाथ पीछे, ये अनाज चक्र यहाँ पर दोनों हाथ एक के ऊपर, मणिपुर चक्र दोनों हाथ एक के ऊपर, स्वादिष्टान चक्र दोनों हाथ एक के ऊपर, मूलाधार चक्र दोनों हाथ एक के ऊपर, क्योंकि हम पीछे नहीं लेकर जा सकते है ना। इस तरह से जब आप 24 अंगों का उपचार का ऑडियो करते हो उसमें सब बताते हैं, 24 चक्रों को चार्ज करते हैं। ये 24 पोजीशन जो हीलिंग है ना, ये हमारे जीजीरो हयाशी इन्होंने बनाई है। वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे और उन्होंने ऐसी उनकी मिलिट्री के जैसी बिल्कुल ऐसी हीलिंग बनाई है और सालों से यही हीलिंग देखिए हीलिंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं 24 पोजीशन हीलिंग, 24 अंगों का उपचार। जब आप अपने 24 अंगों का उपचार करते हो तो आप फिर खुद तो बीमारी से मुक्त होने की तरफ बढ़ते हो, लेकिन फिर आपका बर्तन है ना रिपेयर हो जाता है। पहले पहले क्या होता है, जैसा हमें किसी को पानी पिलाना है तो हमारा बर्तन फूटा हुआ चलेगा क्या? नहीं। तो हमारे बर्तन को रिपेयर करना मतलब 24 पार्ट उपचार करना, 21 दिन की साधना करनी है, बाकी नहीं करना है कुछ भी। 1 घंटा 12 मिनट, 72 मिनट की साधना है। लेकिन आपको लगता है कि मेरे ज्यादा हो गया टाइम, कोई बात नहीं, आप 12 पार्ट सवेरे कीजिए, 12 पार्ट रात में कीजिए, मतलब इसको आधा भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके 1 घंटा बैठिए खुद के पास। अभी तक लोगों को बहुत टाइम दिया, दोस्तों मित्रों को रिश्तेदारों को, अब खुद के लिए जीना पड़ेगा, खुद के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा दोस्तों कि आप सचमुच बीमार कैसे पड़ते हो, आप हैरान रह जाएंगे कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं, हमें बीमार गिराने वाला कौन है और हमें सुधारने वाला कौन है, मतलब हमारा डॉक्टर कौन है,
हमारे अंदर बैठा हुआ है और उस डॉक्टर को पहचानना ही रेकी सीखना है। चक्रों को आपने देख लिया कि चक्रों से रिलेटेड जो ऑर्गन्स है उसमें प्रॉब्लम है, हमें चक्रों को ही हील करना है। हील करना मतलब हाथ रखना है, जैसा खुद को करना है तो दोनों हाथ यहाँ रख दिए, लेकिन दूसरे को करना है तो एक आगे और एक पीछे, लेकिन टच नहीं करना है। अगर लेडीज है तो लेडीज को टच कर सकते हैं, जेंट्स है तो जेंट्स को टच कर सकते हैं। लेडीज जेंट्स मेल फीमेल डोंट टच, दूर रखना है, शरीर से 4 से 5 इंच दूर हाथ रखेंगे। आपको आपको समझ में भी आएगा कि मेरे हाथों से कुछ निकल रहा है, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। और इतना ही नहीं तो अगर आप कहीं गए और कोई लोग आपके आजू बाजू में बैठे हैं और उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आपके हाथों में यहाँ पता चलेगा कि अरे कोई तो भी प्रॉब्लम वाला आजू बाजू में बैठा है। बराबर आप ऐसा ऐसा हाथ कीजिए, स्कैन कीजिए, जहां पर जिनको प्रॉब्लम है ना आपके हाथों में सेंसेशन आएगा। आप तुरंत बता दीजिए भैया आपको यहाँ प्रॉब्लम है क्या, वो बोलेंगे हाँ यार मुझे यहाँ प्रॉब्लम। इसको स्कैनिंग बोलते हैं, ये भी हम सीखेंगे सेकंड लेवल में किस तरह से होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, रेकी में जैसा आप आगे बढ़ेंगे तो आप किसी का भी आभा मंडल ओरा देख सकते हो। आंखें बंद करके आप किसी का भी ओरा में प्रवेश कर सकते हो। ओरा में प्रवेश करके आप देख सकते हो कि इसके ओरा में किस तरह की एनर्जी है, ये आपकी पावर है। मैंने कल कहानी बताई थी लेकिन बहुत कम लोग थे, अभी मैं सबको रिपीट करता हूँ। जिन्होंने कल सुनी है वो अपने लिए एक बार और सुन ले, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो ध्यान से सुने। एक हीरे के व्यापारी थे, बम्बई से दिल्ली आया करते, दिल्ली से बम्बई आया करते थे हीरे बेचने के लिए। एक दिन सेठ जी ने हीरे ले लिए और ट्रेन में चढ़े, उनके पीछे एक चोर चढ़ गया। सेठ जी को डाउट आया, अरे कुछ तो गड़बड़ है, वो चोर ही था। और सेठ जी ने अपने हीरे की पोटली संभाल कर रखी थी, चोर को मालूम था सेठ जी के पास हीरे है, उसने देख लिया था। 2 बजे सो गया क्योंकि रात को सारा माल साफ करना था। सेठ जी को समझ गए, सेठ जी ने क्या कर दिया, हीरे की पोटली ले ली, चोर के जेब में रख दी, आराम से सो गए। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा सामान चेक किया, हीरे की पोटली नहीं मिली, परेशान होकर सो गया। दूसरा दिन था, चोर और उठा, नहीं दूसरा दिन था तो चोर उठने के पहले सेठ जी ने हीरे की पोटली ले ली, अपने जेब में रख दी। चोर परेशान था, सारा सामान चेक किया लेकिन सेठ जी ने रखी कहाँ है, बोले कोई बात नहीं आज तो बिल्कुल लेकर ही रहेंगे। दूसरा दिन था, चोर 2 बजे सो गया, सेठ जी ने शाम को सोने के पहले हीरे की पोटली निकाली, चोर के जेब में रख दी, आराम से सो गए। 2 बजे उठा, सेठ जी के पूरे सामान चेक किया, बैग कपड़े सेठ जी के शर्ट पैंट जो भी था सारा चेक किया, हीरे की पोटली कहीं नहीं मिली, परेशान हो गया और सो गया। सवेरे सेठ जी ने अपनी हीरे की पोटली उसकी जेब में से निकाली, अपने जेब में रख दी। बस स्टेशन आ गया था, दोनों उतर गए, चोर आ गए, सेठ जी के पाँव पकड़े, बोले सेठ जी मैंने थोड़ा शॉर्टकट बताइए। बोले सेठ जी मैं और मेरा खानदान चोरी करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना बता दो आपने छुपाई कहाँ थी। परेशान हो गए, बोले मैंने देखा सेठ जी तुमने घर से पोटली ली है, तुम्हारा सारा सामान मैंने चेक किया, जूते तक चेक किए, वो पोटली नहीं मिल रही, तुम सिर्फ इतना बता दो छुपाई कहाँ थी, हम जिंदगी भर चोरी नहीं करेंगे, मेरा परिवार भी चोरी नहीं करेंगे। सेठ जी बोले अरे बाबा बस यही गलती तो लोग कर रहे हैं, तूने भी वही गलती कर दी, शायद दोस्तों हम भी वही गलती कर रहे हैं, हम भी वही गलती कर रहे हैं। सेठ जी ने जो जवाब दिया वो सुनिए, अपना सुख तो खुद में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे है उनके पुरुषार्थ, खुद का सुख खुद में है। हम सारी दुनिया की तरह गलती करते हैं। अरे भाई बोले तूने दुनिया की तरह ऐसी गलती कर दी, अरे एक बार अगर अपनी जेब में देखा होता ना, अरे तू सेठ जी नहीं रहे, तू चोर नहीं सेठ जी होता, तू कितना बड़ा आदमी कितना अमीर आदमी होता, चोर समझ गया। तो हम भी वही गलती करते हैं, हमारे पास में इतनी अनंत ऊर्जा है, इतनी हीलिंग पावर है, इतनी साइकिक पावर है जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम कभी भी उसको देखने के बजाय हम बाहर ढूंढते हैं। तो दोस्तों जब हम बाहर ढूंढते हैं तो हम ढूंढते रह जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम पतंग के पीछे भागते हैं। कभी भी जिंदगी में अगर आपको भागना है तो डोरी को पकड़ो, पतंग के पीछे मत भागो, डोरी पकड़ो पतंग अपने आप नीचे आ जाएगा। उसी तरह आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है, तो आप रूट कॉज की तरफ जाओ कि ये मुझे प्रॉब्लम क्यों आया, मैं बीमार क्यों हो गया, एसिडिटी हो गई,
हम क्या करते हैं, गोली लेते हैं। एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिड, ईटी, एसिड माने तेजाब, ईटी माने खाना। तेजाब खाया होगा, एसिडिटी हो गई होगी, लेकिन हम वहां नहीं जाते कि मुझे एसिडिटी क्यों हो गई। हम टेबलेट लेते हैं, पेट दुख रहा है, क्यों दुख रहा है? कुछ तो गलत खाया इसीलिए पेट दुख रहा है, तो हम टेबलेट लेते। लेकिन क्यों, क्या गलत खाया वो नहीं सोचते। माइग्रेन हो रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो ये चीजें हमारे साथ क्यों आई, ये हम वहां तक नहीं जाते और हम उसका एक ही विकल्प हमारे पास में और वो है मेडिसिन। लेकिन दोस्तों आज के बाद आपको विकल्प ढूंढने की कला मैं सिखा दूंगा। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिसीज, बीमारियों की जड़ क्या है। और जब आपको बीमारियों की जड़ समझ में आ जाएंगी तो बीमारी जड़ से निकल जाएंगी। रेकी बीमारियों को जड़ से निकालती है और सारी बीमारियां रेकी से निकलना धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है। ओके, तो अभी आपके समझ में आ गया कि चक्र क्या है और आपके समझ में ये भी आ गया कि ओरा क्या है। तो शेठ जी ने जो बोला था ध्यान में रखना, हाँ इसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास हीरे की पोटली है लेकिन आप बाहर ढूंढ रहे हो, आपको अंदर ढूंढना है। और अंदर ढूंढने के लिए जो टेक्निक है वो मैं आपको इसी हफ्ते के अंदर फ्राइडे के पहले पहले सिखा दूंगा कि वहां वो पोटली को कैसे ढूंढना है। और वो पोटली के अंदर ऐसे ऐसे हीरे है, ऐसे ऐसे डायमंड है कि जिनकी कीमत अतुल्य है, अमूल्य है, जिनकी कीमत आप सोच भी नहीं सकते। और आपके पास में एक हीरा नहीं है, आपके पास में कई हीरे है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आपके घर के कमरे, आपके घर में 10 कमरे है और 10 कमरे के 10 ताले लगे हुए है। ताले लगे हुए कमरे आपके घर में, आपने एक ताला खोल दिया और आप कमरे के अंदर गए, देखते क्या है, और यहाँ तो सारी चीजें है, मुझे मोबाइल चाहिए था यहाँ तो 2-3 मोबाइल पड़े हैं, लैपटॉप चाहिए था लैपटॉप भी पड़ा है, अरे यार ये भी है वो भी है, मुझे जो जो चीजें चाहिए थी वो मेरे कमरे में है, लेकिन मुझे पता ही नहीं, मैंने तो नई लाई और नई इतनी बोगस थी कि लाके बराबर ही खत्म खराब हो गई, हल्की थी, लोकल क्वालिटी की थी। यस माय फ्रेंड, ये जो कमरा आपने खोला, सिर्फ एक कमरा खोला तो आपको बहुत सारी चीजें दिखी जो आपके काम की है, ऐसे तो 10 कमरे और है आपके घर में। उसी तरह आपके पास में भी सारे ताले लगे हुए कमरे हैं, जब एक एक ताला खुल जाएगा और एक एक चाबी लगेंगी आप हैरान रह जाएंगे। मेरी एक कविता है दोस्तों, 1 मिनट की आनंद लेना और उसके बाद हम आभा मंडल चक्र और शक्तिपात के ऊपर आपके आते हैं। ये कविता मैंने बनाई थी लगभग 2.5 साल पहले और ये कविता बनाने का मेरा उद्देश्य कुछ नहीं था, मैं लिखते गया कविता आते गई। मैं कवि नहीं हूं फिर भी मैं थोड़ा लिखता हूं। तो मैंने कविता लिखी जब मैंने रेकी सीखी और रेकी सीखने के बाद मुझे पता चला कि रेकी में वास्तविकता में क्या है और लोग इसको क्यों नहीं सीख रहे हैं। लोग इसको सीख रहने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन सिखाने वाले पैसे ज्यादा लेते हैं। इसीलिए कोई मेरा गरीब भाई, मेरी गरीब बहन, इच्छा होने के बाद में वो व्यक्ति सीख नहीं सकता। लेकिन दोस्तों अब मैं आपके साथ में हूँ, अब आपको मैं रेकी सिखा कर रहूंगा, ऐसी रेकी सिखा कर रखूंगा कि आप पत्थर बन जाएंगे। कितना भी बड़ा हथौड़ा आपके ऊपर गिरने दो, आपका टुकड़ा भी नहीं गिर सकता। दैट इज माय प्रैक्टिकल। कविता का आनंद लीजिए, मुंह पे 12.5 नहीं, थोड़ी हल्की सी मुस्कान चाहिए। क्या बात है, सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, है तेरे ही अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे का मतलब है हमारे शास्त्र, भगवत गीता 18वां अध्याय हमारे ऊपर है, हम पूजा कर रहे हैं उसकी, कोई भी पढ़ा नहीं हमने। ओके, सारे विश्व का ज्ञान और समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर। जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा, लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। अरे बीज डाले हैं खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। जो बीज डालेंगे वही फलाएंगे, आम डालेंगे तो आम, नीम डालेंगे तो नीम। कैसे डालना है, कहाँ डालना है, थोड़ा सा इंतजार, कल बताएंगे। अमीर बनना तेरा, धनवान बनना तेरा, सबको हंसी आ रही है। धनवान बनना तेरा,
जन्म सिद्ध अधिकार है, अरे मांगले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है, देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर, ऐसी एक चाबी नहीं, क्या बोला मैंने, हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है, कोई भी ताला हो ना उसको नियम की चाबी लगती है, ईश्वर काम नहीं करते, ईश्वर के नियम काम करते हैं, मेरे गुरु जी कहते हैं, हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है, और खुलते हैं ये सारे ताले, मेरे अनुभव कहते हैं, ये मेरे अनुभव कहते हैं, ऐसी एक चाबी नहीं मिलती, यहाँ हजार है, और इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, विश्व रेखी से रेखी सीखने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। चलो आगे बढ़ते हैं, चक्रों के बारे में देखा हमने, चक्रों को हील करने की प्रक्रिया को बोलते हैं चक्र और आभा मंडल का उपचार, जो होता है 15 मिनट का, जो हर रेखी साधक को रोज करना चाहिए, और 21 दिन की साधना है, वो आपको स्वस्थ बनाने की एक ऐसी कुंजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। 21 दिन की साधना, 1 घंटा खुद के लिए देना है, कभी भी कर सकते हैं, सवेरे से लेकर रात तक, 12 सवेरे पाठ कीजिए, 12 रात में कीजिए तो भी चलेगा, लेकिन जरूरी करना है। उसके बाद में हमने देखा आभा मंडल, हमारे शरीर के बाहर भी एक शरीर है हमारे, काफी लोगों को देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर ने बताया सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, बंदा एब नॉर्मल है, बंदा एब नॉर्मल है, आप सोच भी नहीं सकते, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, इसको प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, जहां पर एक्सरे नहीं हो रहा है, यहाँ पर ओरा में, और ये कहाँ से आता है, ये हम लाते हैं, हमने किसी की चुगली कर दी, किसी के बारे में कुछ बोला भाला कह दिया, वो हमने क्या कर दिया, ब्लैक बॉल फेंक दिया, हमने किसी का मन दुखाया, ब्लैक बॉल फेंक दिया, किसी का अपमान किया, ब्लैक बॉल फेंक दिया, किसी का नुकसान किया तो भी ब्लैक बॉल फेंक दिया, और ब्लैक बॉल का मतलब मालूम है, ये रबर का बाउंसिंग बॉल है, ये जितनी स्पीड से जाता है ना उतनी स्पीड से वापस आ जाता है, उल्टा दुगनी स्पीड से, ये गाना सुनाऊंगा आपने, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम 1 बॉल दे दो वो 100 दे देगा, फिर हम क्या करते हैं पूरा दिन वो ऐसा वो वैसी ये ऐसी चुगली चपाटी, फोन पर भी चालू है, पहले ऐसे बैठते थे 4-5 लोग चुगली चपाटी करते थे, अभी फोन पे चालू होता है, इतना मजा आता है वो चुकाटी करने में, लेकिन हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, और हम जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वही एनर्जी हमारे तरफ आती है, और वो कहाँ आती है, हमारे ओरा में, जैसा आपने बोला किसी व्यक्ति को गाली दी आपने, उसका मन दुख गया, उसने आपके लिए क्या बोला, वो आपके ओरा में आ गया, और धीरे धीरे ये जो ब्लैक बॉल आपके ओरा में आते हैं, और कुछ दिन के बाद में आपका ओरा संकुचित हो जाता है, एक तो ये ओरा आपके 3 जगह से आता है, कर्मे वाचा मने, आपके कर्मों से, आपके शब्दों से, और आपके विचारों से भी आता है, कर्मे वाचा मने, और 3 तरह से ये नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल में आती है, और फिर आपके चक्र अनबैलेंस हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, आपके चक्र अनबैलेंस हो जाते हैं, और चक्र अनबैलेंस होने का मतलब है उस एरिया का एनर्जी लेवल लो हो जाता है, एनर्जी लेवल लो हो गया, कुछ दिन तक के लो रहेगा और लो रहेगा, फिर वहां वो चक्रों के एरिया में जो ऑर्गन्स है उसमें हमें प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन रेकी सीखने के बाद हम हमारे चक्रों को बाहर से ही चार्ज करते हैं, हमारे ओरा को भी बाहर से चार्ज करते हैं, देखा आपने कितना चमत्कार है, हमारे शरीर को तो हम चार्ज कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के बाहर जो शरीर है इसको भी हम चार्ज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओरा क्लींजिंग, शरीर का, चक्रों का और आभा मंडल का सेल्फ हीलिंग का ऑडियो आता है 15 मिनट का, उतना ऑडियो सुनने से आपके चक्र भी चार्ज होते हैं और आपका ओरा भी अच्छा रहता है, ओरा अच्छा रहने का मतलब मैं बताता हूं आपको, किसी व्यक्ति की तरफ देखो आपको घृणा आती है, अरे यार ये कब जाता है, अरे यार बहुत बोर कर रहा है, मतलब वो निगेटिव ओरा रहता है उस व्यक्ति का, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बात करेंगे समय का पता नहीं चलता आपको 2 घंटे कहाँ निकल गए मालूम नहीं, 2 घंटे हो गए मालूम ही नहीं कहाँ गए, है ना, 2.5 घंटे हो गए बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ निकल गया समय पता नहीं,
मतलब आप लोगों का ओरा कितना अच्छा है कि मुझे मजा आ रहा है आपको देख के बात करने में, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ। तो व्यक्ति का ओरा ही हमें पता चलता है उसके बातों से, या उसके आभा मंडल कमजोर होने से उसके चेहरे पे ना नूर नहीं रहता, ऐसा बोलते हैं, वही जो है ना उसको ओरा बोलते हैं। और ये जैसे जैसे आप रेकी में आगे बढ़ेंगे आपको फिर इसका इसका अनुभव भी हो जाता है कि किस व्यक्ति का ओरा कैसा है करके। डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जो है, इनका जो ओरा था, कहते हैं कि वो एक गांव में रहते थे तो दूसरे गांव में पता चलता था। गौतम बुद्ध भी जब एक गांव में आते थे तो दूसरे गांव में पता चलता था कि इस गांव में बुद्ध आए हुए है। तो उनका ओरा इतना बड़ा होता था कि एक गांव में से दूसरे गांव तक जाता था। और ये बात मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये होता है। एक बार की बात है, हमारे सेंटर पर एक व्यक्ति आ गए, उनको घुटने में प्रॉब्लम था, उनको चलते नहीं आता था। वो हमारे सेंटर तक आ गए, मेरे सेंटर से मेरे गेट तक के आने का लगभग 50-100 कदम आना पड़ेगा आपको, इतना डिस्टेंस है। और वो हमारे गेट के अंदर आ गए और फिर चेयर पर उनको बैठा दिया हमने, उनसे बात कर दी और काउंसिलिंग करते करते उन्होंने बताया कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम था। मतलब क्या बोला आपने? बोले प्रॉब्लम था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। मतलब क्या हो गया? मतलब कब तक था? बोले बाहर था तब तक था, अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, कम हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है? उस एनर्जी का जो ओरा होता है हमारे जमीन का, हमारे लोगों का, उसके अंदर अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो व्यक्ति आता है तो उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। फिर हमने उनकी हीलिंग कर दी और उसके बाद वो ठीक भी हो गए। काफी दिन 5-6 बार आ गए हमारे पास में, थोड़े बुजुर्ग थे तो ज्यादा बार हीलिंग करनी पड़ी, लेकिन वो ठीक हो गए। उनका नाम भी मेरे पास में, आप पहचानेंगे नहीं, लेकिन आपको चाहे तो मैं ग्रुप में दे दूंगा, बात कर लेना आपने। उनको भी घुटने का प्रॉब्लम था लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो गए। हमारे यहाँ के विधायक है, उनके रिश्तेदार है। हाँ चलो, उनका नाम है बाबूराव जी लोखंडकर। अगर आप महाराष्ट्र में से कोई लोग है तो सुन लेना, बाबूराव जी लोखंडकर उनका नाम है। और एक और विधायक है हमारे बलदेवराव जी चोपड़े, उनके भी एक प्रॉब्लम था, वो भी पूरी तरह से सॉल्व हो गया था। मैं नाम बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है दोस्तों कि ये रेकी विद्या सीखने के बाद आपके पास में ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते, और ऐसे ऐसे लोग ठीक हो जाएंगे जो वो भी नहीं सोच सकते। तो ये हमारे चक्र और हमारा ओरा हो गया। मतलब आप ओरा के ऊपर भी काम करेंगे, सबसे पहले आपको ओरा ही क्लींज करना है, क्योंकि सारी 50-60% भी हमारे ओरा में रहती है। एक प्रैक्टिकल करके देखना, अगर आपके घर में किसी को बुखार है, आपको क्या करना है? एक नमक का पानी लेना है एक बर्तन में, और एक सफेद रुमाल लेना है आपको इस तरह से, और सफेद रुमाल को उस पानी के अंदर ऐसा डुबोना है, निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद में आपको इसको ऐसा फोल्ड करना है, और जो व्यक्ति को बुखार है उसको आपको सुलाना है, लेटाना है। लेटाने के बाद में उसके सर से लेकर पांव तक इस तरह से करेंगे और इसको झटकेंगे 7 बार, सामने से 7 बार झटकेंगे, साइड से 7 बार झटकेंगे, और उधर से साइड बार झटकेंगे 7 बार। ऐसा 21 बार अगर आपने पानी गर्म नमक के पानी में डुबो के निचोड़ के अगर 7-7 बार आपने ऐसा नीचे नमक के पानी में डाला, मतलब इसको ओरा क्लींजिंग बोलते हैं हम, इसको झाड़ बुखार भी बोलते थे पहले, हमारे पुराने जमाने में यही करते थे, नजर उतारना वगैरह। तो ये आपने ऐसा वो नमक के पानी में डुबोया और 7 बार किया, ऐसा आपने 21 बार किया। पहले 7 बार सामने से, 7 बार पीछे से, 7 बार लेफ्ट से, 7 बार राइट से, 28 बार हो गया, कोई बात नहीं, 21 बार कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा करेंगे 21 से ज्यादा चलेगा। हाँ, और एक बात, इतना करने से पहले उसका टेम्परेचर गिन लेना थर्मामीटर से और लिख लेना उसको 102 बुखार है। आपने उसका ओरा क्लींज कर दिया। ओरा क्लींज करने के बाद में आप रेकी चैनल हो, आपको दोनों हाथ कब जैसा बनाना है, उसके क्राउन चक्र के ऊपर रखने हैं, आंखें बंद करके देखना है, आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके देखना है कि मेरे हाथों से कुछ निकल रहा है, उसके शरीर में जा रहा है। आपको बोलना है रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो। जैसे ही आपने बोला स्वस्थ करो, तो स्वस्थ रूपी ऊर्जा आपके हाथों से निकली, उसके शरीर में गई, उसके शरीर का टेम्परेचर कम हो गया। आपको देखना है उसके शरीर का टेम्परेचर कम हो रहा है, आपने उपचार दिया। फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट के बाद में थर्मामीटर लेना है और उसका टेम्परेचर चेक करना है। आप हैरान रह जाएंगे।
वो नॉर्मल हो गया। वो नॉर्मल तो हो गया दोस्तों, लेकिन जो पानी में आपने इस कपड़े को निचोड़ा है उसको भी जरा देख लेना, वो ब्लैक हो गया। और वो ब्लैक वाला पानी अगर आपने किसी पौधे में डाल दिया, पौधा सवेरे तक एंड। इसीलिए वो पानी बेसिंग में डाल के बहा देना है या नाली में डालना है, रोड पे नहीं फेंकना है। इसका मेरा इतना बताने के पीछे का उद्देश्य यह है कि ये कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे आभा मंडल में होती है, वो हमारे कर्मों का फल है, हमने इकट्ठा करके रखी है उसको। हाँ किसी बच्चे का पेट दुख रहा है, पेट पे हाथ रख दो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस बच्चे को ठीक करो, बच्चा 2 मिनट में चुप हो जाएगा, करके देखिए। लेकिन कब? शक्तिपात के बाद। अभी सीख लीजिए, फ्राइडे तक सीखना है, फ्राइडे को शक्तिपात के बाद में इस्तेमाल करना है और अपना सेल्फ हीलिंग भी करना है। ये तो हो गया हमारा ओरा और हमारे चक्रों के बारे में। मतलब आपके समझ में आ गया कि आपका ओरा ही आपको बीमार गिराता है, इसीलिए आज से किसी के लिए ब्लैक बॉल फेंकना बंद। ये इतनी आदत लगा लीजिए, कल से किसी के भी बारे में गलत नहीं बोलेंगे, ना परिवार के बारे में ना लोगों के बारे में। लोगों को बोलने दीजिए, आपको नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? ठीक है, आपको लगता है व्यक्ति ठीक नहीं है, फिर भी आपको कुछ नहीं बोलना है, ना सोचना भी नहीं, व्यक्ति बोगस है, खराब है। जो भी हम बोलते हैं ना, सोचते हैं नेगेटिव भाषा, वो नहीं सोचनी है, बोलना तो बिल्कुल ही नहीं है। किसी के बारे में गलत मत बोलो तो आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, आपके तरफ पॉजिटिव बॉल आएंगे। अब घर से ही शुरुआत करके देख लेना, आपके घर से शुरुआत करके देख लेना, आपके तरफ देखो कौन सा बॉल आता है, कैसे आएगा मैं बताता। आप भाई हो या दीदी हो, अगर आप भाई हो और आपने दीदी के दीदी ने खाना बनाया और आप खाना खा रहे हो, आपको एक वाक्य बोलना है, आज का खाना कितना बढ़िया था और वाह 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 क्या खाना बनाया आपने, इतना बोलना है, उसके आगे कुछ नहीं बोलना है। और ऐसे नहीं बोलना है, सिर्फ मुंह से थोड़ी सी मुस्कान भी चेहरे पे जरूरी। अरे वाह क्या खाना बनाया तुमने आज रीता, अरे दीदी दीदी यार सॉरी मेरे मुंह में दीदी आ गया, अरे स्मिता क्या खाना बनाया तुमने आज, इतना इतना बढ़िया खाना, अरे वाह 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 स्मिता खुश, स्मिता ने क्या फेंका, व्हाइट बॉल, मेरे पति कितने अच्छे है। और अगर आप दीदी हो तो, अगर आप दीदी हो तो आ गए, चलो ठीक है आओ बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और फिर एक चाय बनाती हूँ बढ़िया सा, आप आराम से बैठो। हमारी दीदिया क्या करती है, आ गए उधर से लेके आ गए होंगे चाय, उसको उल्टा बोलते हैं, आज तो खाना भी खाया हुआ दिख रहा, मुंह पे क्यों 12 बज गए, उसको सुनाते हैं। हमारी दीदिया भी गलती करती है। एक काम इतना करो, आप हल्के से मुस्कुराहट के साथ उस बंदे का स्वागत करो, और सवेरे सवेरे जब आप नींद से उठते हो ना, भले ही उसके पाँव मत छुओ, लेकिन उसका धन्यवाद करके देखो, आपकी आत्मा और आत्मा ओरा, आपका ओरा शरीर का कितना बढ़ता है। देखो हम जन्म जन्म से साथ रहने का वादा करते हैं, और आप लोग बोलते हो ना 7 जन्म तक यही पति चाहिए, यही पत्नी चाहिए, बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बोलते हैं लोग ऐसा। तो भाई कम से कम एक छोटा सा प्रयोग करके देखो, अपने पति है तो पत्नी के बारे में और पत्नी हो तो पति के बारे में, एक बार उनको बोलो धन्यवाद। कभी कभी आपकी इच्छा हो तो चरण भी छूने का प्रयास करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईश्वर है हमारे, वो भी ईश्वर है और आप भी उनके लिए ईश्वर हो, लक्ष्मी का स्वरूप हो। अगर हमारे भाई भी है, सिर्फ हमारे दीदियों को धन्यवाद बोलते है, खाना खाने के बाद में बोलते क्या खाना बनाया तुमने, तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ आपने कितने व्हाइट बॉल लिए। मैं जब एक की सीख कर आया तो मेरे परिवार में गड़बड़ हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। पहले मैं गुस्सेला था, मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले, कुछ कुछ लोग मुझे खड़ूस बोलते थे, बोलते हो खड़ूस, हाँ मेरा बिजनेस था, खड़ूस बोलते थे, क्यों कोई बात नहीं, मैं खड़ूस था, मुझे गुस्सा आता था, घर पे भी मैं गुस्सा बच्चे के ऊपर गुस्सा करता था, बच्चे ने मोबाइल तोड़ा था मैंने उसको कई दिन 5-6 दिन परेशान किया था, ऐसा है वैसा है यूं है, कोई घर में चीज टूट गई तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, कुछ भी होगा तो। मैं गुस्सा आने का मतलब क्या है, देखो रेकी के 5 तत्व है,
आज के लिए क्रोध नहीं, क्रोध नहीं मतलब हम सोचते हैं हमें क्रोधित नहीं होना है, लेकिन क्रोधित होने के ऊपर फोकस नहीं करना है, शांत रहना है, क्रोध अपने आप भाग जाएगा। बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया, बच्चे को परेशान कर दिया, रेकी सीख कर आ गया, रेकी सीखने के बाद जीवन में परिवर्तन आया, थोड़ा थोड़ा स्वभाव में परिवर्तन आया, मुझे गुस्सा आना बंद हो गया। बच्चे ने 3,000 का मोबाइल तोड़ा था, उसको 8 दिन परेशान किया था, उसके बाद में उसने 10,000 का मोबाइल तोड़ा, मैंने उसको क्या बोला, अच्छा लेना, अब इसके अच्छा इसमें अच्छे फीचर वाला लेना, थोड़ा महंगा लेना। वो उसके मम्मी के पास गया, बोले मम्मी, बोले क्या, बोले पप्पा कुछ तो भी ढीला हो गया, पहले 3,000 का तोड़ा था, 8 दिन खाना नहीं खाने दिया, अभी 10,000 का टूट गया, अभी बोलती कि 15,000 का लेना। हमारे घर में दो बहू है, उनसे कोई कांच की चीज टूट गई, पहले मैं बोल रहा था कैसे टूट गई, देखता नहीं क्या, वैसा इधर उधर की बातें होती थी, सबको आपको भी मालूम है, मैं भी वैसे ही था। उसके बाद में कोई चीज टूट गई, मैं बोलता था टूटने दो, अब इससे अच्छी लाना, तो क्या बोलती थी, बाबा अच्छे हैं। मेरे बेटा क्या बोलता था, मेरे पप्पा अच्छे हैं। मेरी पत्नी की मैंने खाने की तारीफ की, पत्नी क्या बोलेंगी, मेरे पति अच्छे है। बस आपको दिन भर अच्छे ही जमा करना है, और जब ये अच्छे आपके ओरा में आ जाएंगे, आप रास्ते से चलेंगे, आपने किसी की तरफ, अरे नमस्ते भैया, अरे प्रणाम प्रणाम, कैसे वो, बढ़िया बच्चे कैसे, आपने किसी से बस थोड़ी सी हल्की सी बात भी की ना, वो बोलेंगे क्या अच्छा आदमी है ये, कितना अच्छा आदमी है, आपने अच्छा कलेक्ट कर दिया। आज तक आपने क्या कलेक्ट कर दिया था, गलत कलेक्ट कर दिया था, आज आपने व्हाइट बॉल को कलेक्ट कर दिया, मतलब आपका ओरा व्हाइट हो गया, और ओरा व्हाइट होने के बाद में आपके पास में एनर्जी का भंडार बढ़ने लग गया, आपका ओरा पॉजिटिव होने लग गया। तो आज के बाद एक संकल्प कर लेना है, चुगली चपाटी बंद, पत्नी है तो पत्नी को धन्यवाद, और पत्नी है तो पति को धन्यवाद, इतना चेंज करेंगे मेरे लिए, बिल्कुल करेंगे, डन, मुझे विश्वास है आप लोग जरूर करेंगे। खाना खाने के लिए बैठेंगे, सब्जी को कभी गलत नहीं बोलेंगे, रोटी कैसी भी हो वैसी खाएंगे। हम क्या करते हैं, कैसी सब्जी बनाई, नमक नहीं डाला इसमें, ये कितना रहता, ये वैसा बनाया, अरे बंदे होटल थोड़ी है, ये घर है, हो जाता है कभी कभी। और हम क्या करते हैं, ऐसा बोलता भी है, ये गलत बनाया, ऐसा बनाया, वैसे बना, खाता भी है। और जो अनाज को आपने नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी दे दी, वो अनाज खाने के बाद में पेट में जाके वो क्या करेगा, सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा 100%। इसीलिए फिर हमारा पेट खराब होता है, हमारा माने उनका, जो अनाज को ठुकराते हैं और फिर खाते हैं, कैसा बोलते, ये रोटी है, ऐसी रोटी रहती है, इसको इसको रोटी बोलती है, अच्छा ये देखो इधर से भारत का नक्शा, इधर से ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, ये कितनी जल गई, और ये सब्जी है इसमें कुछ कुछ डाला है इसमें, अरे वो सब्जी को भी गलत बोल रहा बेटा तू, और रोटी को भी गलत बोल रहा, और उसको ही सूत रहा, उसको ही खा रहा है जिसको गलत बोल रहा है, वो रोटी और वो जो सब्जी है ना वो सुनती है। ये मैं प्रैक्टिकल के साथ में कल बताऊंगा आपको, अनाज सुनता है, वो अनाज ने सुन लिया, अरे इसने मुझे बुरा भला कहा, उसको भी इसने नेगेटिव एनर्जी दे दी, अब इसके पेट में जाने का बोलता है, बेटा रुक जा आप तू, अब तुझे देखता हूँ, तुझे खा लिया तूने मुझे, अब वो पेट में जाके करता है गुल 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 गुल, मेरा पेट गुल गुल क्यों कर रहा, मेरा पेट गुल गुल क्यों कर रहा, अरे तूने पहले अनाज को नेगेटिव एनर्जी दे दी, अब उसके ताबे में तू आ गया, फिर क्या होती है, फिर वोमिटिंग होती है, फिर कभी जाकर तो पेट दुखता है, तो कभी इधर से आवाज आती है, तो कभी उधर से आवाज आती है, 10x10 के रूम में आवाज आती है, 10x10 के रूम में इतनी सी अगर गैस छूट गई ना दोस्तों, तो भोपाल गैस जैसा सब लोग नाक को हाथ लगाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पेट में कुछ तो भी सड़ गया। इसका मतलब ये की है कि आपके पेट में कुछ तो भी सड़ गया, और वो सड़ने नहीं देना है, उसके लिए क्या करना है, अपने को अनाज की रेकी करनी है, भोजन की रेकी करनी है। आपने भोजन को बोल दिया, क्या बोल दिया, हे अन्न देवता आप मेरे लिए स्वस्थ वर्धक हो, आपका धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद, इतना बोलना है। बनाने वाले का धन्यवाद बोल दिया, आपने खा लो उसको, कुछ भी नहीं होगा आपको। और जिन लोगों को एसिडिटी होती है, वो कल एक प्रयोग करके देखे, खाना खाने समय आराम से बैठ जाए, उसको दे अनाज को बोले आपका धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद, एक निवाला उठाए मुंह में डाले, आहा हा, अरे क्या खाना बनाया, किसने बनाया आज का खाना, कितना बढ़िया खाना, इतना बोलो, कितनी अच्छी सब्जी है, भले ही वो अच्छी नहीं हो आप बोलो, आप खा लो,
लेकिन बढ़िया सा हंसते हुए खा लो, बढ़िया बिल्कुल खुश रहते हुए, आपको एसिडिटी होती नहीं है। 90% लोग खाते समय बड़बड़ करते हैं, 90% लोग है दिन भर कुछ नहीं बोलते, खाना खाने बैठे वो कैसे रख दे उधर से, ऐसा रहता है वहां पे। अच्छा हाँ, इसको घर बोलते हैं। और ये गंदगी, अरे तू बेटा पहले खाना खा लेना, क्यों ऐसा कर रहा है। तो हम एनर्जी को क्रिएट करते हैं, कहने का मतलब मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि यू आर क्रिएटर। अगर आप इतना बोलते हो तो आपने ब्लैक बॉल ले लिया, आज ना कल वो आपके ओरा में है, चक्रों में जाएगा, डैमेज करेगा। इसीलिए अपने झोली में सवेरे से शाम तक व्हाइट बॉल कहां से आएगा कोशिश करो। गरीब का बच्चा भूखा है, खाना खिला दो। किसी गरीब के गरीब के पास कपड़े नहीं है, एक कपड़े का जोड़ा दिला दो। चाय पिलाने के किसी को उसको बुला दो, चाय पिला दो, खाना खिला दो, उसको देखो कैसे बॉल आते हैं आपके तरफ। और यही तो बॉल आपकी एनर्जी है, आपके सोल की एनर्जी, यही है आपका ओरा। और दोस्तों रेकी में जो शक्तिपात होता है वो आपके ओरा पे और आपके चक्रों पे काम किया जाता है। आपके ओरा में से वो ब्लॉकेज जो आपने आज तक के बैंक बैलेंस इकट्ठा करके रखा है, शक्तिपात में इस ओरा के ब्लॉकेजेस को निकाला जाता है। और ये रेकी के जो मास्टर्स होते हैं या ग्रैंड मास्टर होते हैं, उनको पता है ये कैसे निकालते हैं, और इसीलिए उनके ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। मैं आपको एक दो मिनट में चमत्कार करके दिखा रहा हूँ, जाना नहीं रुकना। हाँ, ये जो मैंने बोला ना अभी कि कोई भी ग्रैंड मास्टर होता है वो किसी के भी ओरा में जाता है और वो ब्लैक बॉल को निकालता है, क्या ये पॉसिबल है? मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, आप पूरे इंडिया में से लोग मुझे सुन रहे हो, कुछ कुछ लोग फॉरेन से भी सुन रहे हैं, बाहर बाहर के कंट्री से सुन रहे हैं। हाँ हाँ, फॉरेन का बोला तो थोड़ा, ओके थैंक यू। तो अगर आप मुझे सुन रहे हो और मैं तो आपको जानता भी नहीं, तो मैंने अभी जो बोला कि एक व्यक्ति आपके ओरा में आकर आपके ओरा के नेगेटिव बॉल को खींच सकता है, तो दोस्तों मैं इसका प्रैक्टिकल आपको अभी करके दिखाता हूँ। यस माय फ्रेंड, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मैं आपके बॉल, आपके इस ओरा के बॉल में, आपके शरीर के बाहर जो ओरा है ना, उसमें से एनर्जी को अभी खींच के बताता हूँ। मैं आपके शरीर का पेन अभी दो मिनट में खत्म करके दिखाता हूँ। दो मिनट भी नहीं, एक मिनट भी नहीं, 30 सेकंड, 30 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड, यस माय फ्रेंड, ओनली 10 सेकंड। तो ये आपका ओरा है, और यहाँ से हम लोग बीमार पड़ते हैं। और रेकी चैनल बनने के बाद अगर आप ये कला को सीख गए, तो देखो आप दूसरों का पेन अगर निकाल रहे हो तो आपके पास में पेन कहाँ से आएगा? नो माय फ्रेंड, जो लोगों को पैसे उधार देता है उसके पैसे की कमी नहीं रहती, जो देता है ना उसको बहुत ज्यादा मिलता है। ओके, पहले देना सीखो, फिर मिलेंगे। कल पंडित जी की कहानी बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओके, हमारा समय हो गया है, 2 मिनट का टाइम आपके पास में है। मैं 2 मिनट, मुझे अभी मैं एक व्यक्ति को नहीं बोलूंगा कि आप स्क्रीन पे आ जाओ, मैं आपका पेन एक कम करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सारे के सारे लोगों का पेन अभी 2 मिनट के अंदर आपको एंड करके बताऊंगा। कल भी बताया था, जो भैया थे पता है भैया को, उनके 120 लोग थे हम लगभग, भैया ने भी बहुत देर तक बात की आप लोगों से, तो आप लोगों ने जो रिप्लाई दिया वो तो सुनकर मुझे हैरानी हो गई। काफी लोगों को 90%, 80%, किसी किसी को 100% आराम मिला। तो दोस्तों क्या ये पॉसिबल है? यस माय फ्रेंड, दैट इज पॉसिबल। आज हमारे साथ में जितने भी लोग है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास में एक एक शस्त्र मिलता है, और वो शस्त्र का नाम है सिंबल। सिंबल क्या होता है हम कल शाम में देखेंगे या फिर परसों सवेरे देखेंगे। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स होती है एक ऐसी एनर्जी इस ब्रह्मांड की जो कुछ भी कर सकती है। यस माय फ्रेंड, कुछ भी। अब देखो मेरी आंखें बंद है, आप लोगों को मैंने देखा नहीं, आप लोगों का नाम मुझे पता नहीं, आप कहां से हो ये भी मुझे मालूम नहीं। आपके शरीर में पेन है, आपके शरीर में अभी दुख रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, घुटने में, कमर में, कंधे में, छाती में, पेट में, हेडेक, जहां पर भी हो रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। आपको ऐसे हाथ करने हैं कप के जैसे, कप बनाकर जिस तरह से मंदिर में तीर्थ प्रसाद लेते हैं उस तरह से ऐसे हाथ कर रहे हैं। एक हाथ आपको वहां रखना है जहां पर पेन हो रहा है, और एक हाथ आपको ऐसे आगे करना है जो कि मेरे तरफ करना है। आंखें बंद करके एक बार मुझे देख लो, हाँ देख लो अपने भैया को एक बार। ओके, अब आंखें बंद करो,
और आपने जो हाथ मेरे तरफ किया है वो प्रसाद लेते वैसा है, और एक हाथ वैसा ही जो आपने वहां पर रखा है जहां आपको पेन हो रहा है। अब अपने आंखों को आराम से बंद कर दो, पूरी तरह से आंखों को ढीला छोड़ दो। ओके, आपने आंखें बंद कर दी है, आपने हाथ वहीं रखा है जहां पर आपको पेन हो रहा है। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं रेकी शक्ति से, मेरी रेकी माँ से प्रार्थना करता हूँ। हे माँ, तेरे बच्चे की इज्जत तेरे हाथ में है, 500 लोगों को बोला है तूने संभाल लेना। और मेरे माँ ने बोला तथास्तु, और मेरी माँ ने, ईश्वर ने, इस पूरे ब्रह्मांड ने ऐसी ऊर्जा मेरे हाथ में दी है, ये ऊर्जा मैंने आपके हाथ के ऊपर रख दी है, जो हाथ आपने मेरे तरफ किया है, और जो हाथ आपने मेरे तरफ किया है उस हाथ के ऊपर मैंने एक सफेद रंग का चमचमाता हुआ उपचार रूपी बॉल रख दिया है। आप अपने हाथों की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी बनाने के बाद देखिए वो बॉल ऊपर चढ़ रहा है, आपके कोहनी तक गया, कंधे तक गया, दूसरे कंधे तक गया, दूसरे कंधे से निकला, कोहनी तक आया, कोहनी से निकला, हाथ के बीच में से वो बॉल निकल कर वहीं गया जहां पर आपको पेन हो रहा है। अब उसी अंग को देखना है जहां पर आपको पेन हो रहा है, वही अंग है आपका जहां पर आपको पेन हो रहा है, उसी को देखे और लंबे ओम का उच्चारण करे। ओम बोले ओ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो सारे मेरे हाथों के बीच में उपस्थित है। ये ब्रह्मांड की एनर्जी मैंने आपके हाथ में दी, ये आपके हाथों से निकल कर आपके बॉडी में गई, और जहां पर आपको पेन हो रहा था वहां से पूरा पेन निकल कर ये आकाश के तरफ गया, ब्रह्मांड में जाकर विलीन हो गया। आपको क्या करना है, आपको एक बार और लंबे ओम का उच्चारण करना है मेरे पीछे, और आपको देखना है कि एक सफेद रंग का बॉल आया और वहीं पर काम कर रहा है जहां आपको पेन हो रहा था, उसको वो ऑर्गन जो आपका है कंधा घुटना कमर पेट उसको व्हाइट देखो, बोलो मेरा अंग व्हाइट हो रहा है, मेरा वो अंग व्हाइट हो रहा है, मेरा घुटना व्हाइट हो रहा है, मेरा पेट व्हाइट हो रहा है, बोलते जाओ और ओम बोलियो। एंड एंड अभी आप लोग क्या करेंगे, जो हाथ आपने जहां पर रखा है जहां पर आपको पेन हो रहा था उसी हाथ की वहां मुट्ठी बनाएंगे, दोनों मुट्ठियों को अपने मुंह के सामने लाएंगे, आंखें खोल देंगे और देखेंगे मैं कैसा कर रहा हूं, और इसको आपको खोल के ताकत से फूक मारनी है। और जैसे आपने फूक मार दी दोस्तों, आप देखो ऊपर आकाश की तरफ आंखें बंद करके, आपके हाथ से काले कलर का बॉल निकल गया जो आपका पेन था, ऊपर गया, ऊपर गया और ऊपर और ऊपर और ऊपर, वो बादल में गया और वो तो अब दिख भी नहीं रहा है, विलीन हो गया। और दोस्तों जितने लोग मेरे साथ थे जिन्होंने मुझे अभी तक सुना, दोस्तों आप अपने पेन को चेक कीजिए और आप अभी बताइए आपको सिर्फ 30 सेकंड के उपचार से कितना परसेंट आपको आराम मिला। दोस्तों ये रेकी है, मुझे पता है आप लोगों को आराम मिला है, देखो 100% 90%। आप मैसेज देखिए, मैसेज में पता चलेगा, आपको मैसेज भी कर सकते हैं और आप अपना अनुभव भी बता सकते हैं। हम आप लोगों को 100% 90% 100% क्यों 100% फर्क आ गया है, हमने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है। 70% 100% क्यों हो गया, 30 सेकंड में आपको 100% 70% रिलीफ क्यों हो गया। दोस्तों ये रेकी है, तो कल हम चलेंगे, एक बहुत ही बढ़िया सेशन होगा, प्रैक्टिकली सेशन होगा कल, दूसरों का उपचार कैसे करते हैं पूरी तरह से हम समझेंगे उस विधि को, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा बिल्कुल आराम से। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गुरु वंदना करते हैं सब मिलकर, फिर आप बता देना आपको कितना परसेंट आराम मिला, भैया आपसे बात कर लेंगे। रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? जी रिकॉर्डिंग मिलेगी। गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।
धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद थैंक यू सर, थैंक यू सर ओके ओके सबका धन्यवाद।